नमस्ते काल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका और एक रिवीजन सेशन में गाइस। सो स्लोली एंड स्टेडीली आज अपना फेज वन कंप्लीट। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डन, म्यूचुअल फंड्स डन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन डन। सो बस आप लोग भी ग्रिप पकड़ लो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लो अगर आप लोग को ये रिविजन वीडियो अच्छे लग रहे हैं, एंड आपको और ऐसे रिविजन वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताते रहना कि हाउ द होल सेशन आर गोइंग, सो दैट Things go very well. और बॉस अब टाइम आ गया है अपने को कमर कसने का। सो आई एम श्योर कि आप लोग अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इंश्योर दैट प्लान के हिसाब से चलो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो वॉट यू आर गोइंग टू स्टडी द होल डे। मॉर्निंग में उठते ही एक प्लानिंग रेडी रखो या सोने के पहले रात को प्लानिंग रेडी रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये छोटी छोटी चीज है जो अपने को कई बार अपन ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है यार कर लें, कल ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टाइमिंग फिक्स कर दो, कब आपको मॉर्निंग में उठना है, कब रात को सो रहे हो, वो टाइमिंग फिक्स कर दो। आने वाले जितना भी टाइम है आपके पास, 2 महीना 3 महीना, वो शेड्यूल फिक्स ही रहना चाहिए, सो दैट एग्जाम टाइम पे कुछ एकदम अनटूवर्ड ना हो जाए। तो आपको पता है भाई आपका सिस्टम कैसे चल रहा है, वो कंसिस्टेंसी वो डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते रहोगे, देन इन दैट केस देयर इज नो लुकिंग बैक। एंड अब आ रहे हैं अपन लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ गाइस। सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज इसी चैप्टर में, बट मैं आपको बता दूं, मैं रिवीजन खाली नाम का नहीं ले रहा हूं, मैं आप लोगों को यू नॉट बिलीव काइंड ऑफ इसी में ना थोड़े थोड़े डेरिवेशन भी देते जाऊंगा। एक एक फॉर्मूला जो मैं इधर मैजिक बुक में लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को साथ साथ में करवाते जाऊंगा। एंड अगर मैजिक बुक नहीं है तो प्लीज ले लो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। यू ऑल नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स दिख रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं भी करवाने वाला हूँ विद इंडिविजुअल राइटिंग ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज एज वेल। नोट्स जो है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूंगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। पब्लिक क्या बोलता है? सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। प्लीज फोकस कर लो, डिसिप्लिन दे दो भाई, कंसिस्टेंसी दे दो, सो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होता है चीजें, लगता है कि यार बस अभी थक गया हूं मैं, नहीं करना है, और वही है ना, वही कंफर्ट जोन वाला लाइन वही है, तोड़ना उसी को है, ठीक है। पास होने वाला लाइन वही है, तोड़ना उसी को है। तोड़ते जाओ, अपना लाइन बढ़ाते जाओ, एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग विद यू। और अपने आप को असेस कर लो। कुछ लोगों को पता होना चाहिए आपको कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। मतलब मेरे को मेरा फ्रेंड है, मेरे को उसको चार उसको 2 रिवीजन की जरूरत थी, पर मुझे पता था मैं उससे वीक हूं, मुझे 4 रिवीजन की जरूरत है। एवरेज स्टूडेंट हो आप, एक्सेप्ट करके इतना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, है कि नहीं? तो बस ऐसा ही सब सिनारियो है। ऑलराइट गाइस, चलो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट उसके पहले जैसा मैंने बोला, लाइक कर देना, कमेंट्स करते रहना, सो दैट वी आर एट अ पॉजिटिव मोमेंटम। लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। ऑन दैट नोट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लेट द गेम बिगिन। टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही मैं ये ले लेता हूं, उसके 2 दिन बाद टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डालते हैं MCQs, और वो MCQs भी आपको देने हैं इसी के बेसिस पे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, MCQs पे भी एक ग्रिप आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, RTP का मैंने क्वेश्चन करवाया है, BOS नॉलेज पोर्टल पे जो ऐप पे जो MCQs है उसका आप लोग को PDF दे दिया है, तो वो सब चीज भी आप लोग रेफर करते रहो यार, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट द गेम बिगिन। आपको अगर लाइफ में कोई भी एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाना हो तो वो एकमात्र आपका इंटेंशन होता है दैट यू वांट टू अर्न रिटर्न्स, रिटर्न्स एंड रिटर्न्स, बराबर है। इसीलिए अपन लोग बनाते हैं कोई भी एसेट का पोर्टफोलियो, बस। तो इसी चीज से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज रिटर्न्स। मैं जैसा आपको बोला कि साथ साथ में चीजें लिखवाते रहूंगा, आप भी लिख सकते हो, मैजिक बुक ओपन कर लिया होगा आप लोग ने। सो नाउ लेट द गेम बिगिन विद द रिटर्न स्ट्रेटेजी। सो यहां पे देखो, कोई भी एसेट खरीदो आप और उसका एक पोर्टफोलियो बनाओ, इट कुड बी शेयर्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। हर एक एसेट का दो ही इंटेंशन होता है, एक कि आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के फॉर्म में रिटर्न्स दे, और दूसरा आपको रेगुलर बेसिस पे रिटर्न्स दे।
अगर मैं शेयर्स की बात करता हूं तो इन दैट केस आपने शेयर्स खरीदे, तो शेयर्स का जब प्राइस मार्केट में बढ़ते जाता है, 105 रुपीज में आपने खरीदा, 125 हो गया, 130 हो गया, तो वो क्या हुआ, कैपिटल अप्रिसिएशन। एट द सेम टाइम वही शेयर आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड भी देगा, तो वो क्या हो गया, रेगुलर इनकम। मैं अगर रियल एस्टेट की बात करता हूं, तो रियल एस्टेट आपने खरीदा 2 करोड़ में, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो 2 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है दैट विल बिकम 2.5 करोड़, बट आपने अगर उसको रेंट पे भी चढ़ा दिया तो आपको रेगुलर इनकम आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। सो कोई भी एसेट हो, इट कुड बी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रियल एस्टेट, हर एक एसेट का दो ही इंटेंशन होता है, टू गिव यू रिटर्न्स इन टू फॉर्म। वन इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एंड अदर इज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम। बस वही कॉन्सेप्ट से बनता है मेरा पहला फॉर्मूला, एंड दैट इज रिलेटेड टू रिटर्न। तो एक, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये रेगुलर इनकम है, तो एक शेयर के टर्म्स में डिविडेंड हो गया, बॉन्ड के टर्म्स में इंटरेस्ट हो गया, रियल एस्टेट के टर्म्स में एक रेंटल इनकम हो गया। वैसे ही दूसरा उनका इंटेंशन होता है चेंज इन वैल्यू, जो चेंज इन प्राइस होता है उसकी वजह से जो बेनिफिट मिलता है, विच कैन बी डिनोटेड बाय P1 माइनस P0। सो कोई भी एसेट हो, दो ही तरह के रिटर्न देगा, एक इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन P1 माइनस P0, प्लस दूसरा इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। बस उसी से मुझे मिल जाता है मेरा पहला फॉर्मूला, एंड दैट इज रिटर्न का फॉर्मूला। सो यहां पे देखो, मेरा पहला फॉर्मूला रिटर्न का मैं क्या बना दूंगा, मैं बोल दूंगा कि भाई रिटर्न दो ही तरह के होते हैं, एक होता है रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। तो अगर वो कैपिटल अप्रिसिएशन का रिटर्न है तो यहां पे आ जाएगा P1 माइनस P0, प्लस एक रेगुलर इनकम मेरे को चाहिए, तो ये मेरा इधर आ जाएगा डिविडेंड, इंटरेस्ट और एनी अदर रेंटल इनकम, डिवाइड बाय मैंने कितना इन्वेस्ट किया था। कैन आई से P0 इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट आई डिड। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, मुझे मिल जाएगा मेरा रिटर्न का परसेंटेज, विच इज द फर्स्ट फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा। P1 माइनस P0 रिप्रेजेंट द चेंज इन मार्केट प्राइस, इनकम कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट एटसेट्रा। P1 करंट मार्केट प्राइस, P0 मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने बेस पे आएगा आपका कितना इन्वेस्ट किया है और सामने मेरे को कितना रिटर्न मिला। अब ये आया एक जनरल रिटर्न। इस जनरल रिटर्न को हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन बोलू मैं, स्टैटिस्टिशियन बोलू, इकोनॉमिस्ट बोलू, मिस्टर हैरी मार्कोविच ने एक पोर्टफोलियो थ्योरी बनाया जिसको बोलते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, एंड इस रिटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो अभी आने वाला कुछ टाइम मैं आपको पूरा का पूरा मार्कोविच पोर्टफोलियो थ्योरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के बारे में बताऊंगा, एंड दैट स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज रिटर्न। उसको अब अपन लोग फर्दर सब डिवाइड करेंगे into two parts, which is called as average return and the other is called as expected return. रिटर्न दो तरह के होते हैं, एक होता है एवरेज रिटर्न, दूसरा होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो पास्ट रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रिटर्न, एंड जो फ्यूचर के प्रोबेबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर मेरे को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला को डिवाइड करना है, देन इन दैट केस आई विल से दिस रिटर्न कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है एवरेज विच इज डिपेंडेंट ऑन द पास्ट, एंड एक होता है एक्सपेक्टेड विच इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर। आप लोग भी साथ साथ में थोड़ा लिखते रहो तो मन लगा रहेगा, अदरवाइज नींद आ जाएगी, बता रहा हूं मैं। हाँ अच्छा, पास्ट के बेसिस पे जो होता है उसको बोलते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स। समेशन एक्स मतलब पास्ट के जो भी मेरे रिटर्न्स आए हैं वो डिवाइड बाय एन, जितने भी ड्यूरेशन के लिए मैं निकाल रहा हूं, एंड एक्सपेक्टेड, कभी भी याद रखना वर्ड एक्सपेक्टेड आएगा तो उसके साथ आएगा फ्यूचर का प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे एक्स बार हो जाता है समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज हाउ माई द रिटर्न डिविजन इज डन इंटू एवरेज रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक तो हो गया रिटर्न, दूसरा आता है रिस्क, बिकॉज जब तक मुझे रिस्क पता नहीं चलेगा मैं किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कैसे करूंगा। तो रिस्क के लिए यहां पे वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब रिस्क का मतलब क्या होता है कि भाई जो मैं एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर उतना रिटर्न मेरे को नहीं मिला, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ रिस्क फॉर मी। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। से फॉर एग्जांपल मैं एएफएम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को 70 मार्क्स आना चाहिए, अब अगर मेरे को एग्जाम में खाली 50-55 आता है, इट कैन बी अ नेगेटिव रिस्क फॉर मी। या फिर 70 मैंने सोचा था बट मेरे को 85 आए, इट इज अ पॉजिटिव रिस्क। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 70,
अगर उससे ज्यादा आया या अगर उससे कम आया वो बेसिकली मेरे लिए एक रिस्क है। कहने का मतलब जो आप एवरेज सोच रहे हो उससे अगर आपका रिटर्न्स डिविएट हो रहा है देन इन दैट केस इट रिजल्ट्स इनटू अ रिस्क। कि यार मेरे को तो लग रहा था एवरेज इतना आएगा ही, बट अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो अपने को डर लगना चालू हो जाता है। पॉजिटिव डर या नेगेटिव डर विच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन, नाम से समझो डिविएशन फ्रॉम द एवरेज रिटर्न। सो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स जो अपने को रिटर्न आ रहा है, एक्स बार जो अपना एवरेज रिटर्न है, अब ये जितना डिविएट होते जाएगा मेरे एवरेज रिटर्न से उतना मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ते जाएगा, मेरा रिस्क बढ़ते जाएगा। बट आपको मैं खाली यहाँ पे बता दूं कि देखो जैसे यहाँ पे मैं समेशन एक्स करता था वैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार, बराबर है कि जितना भी मेरे रिटर्न्स है और उसमें जितना भी डिविएशन हो रहा है वो मैंने इधर सम कर दिया। बट मैथमेटिकली जब मैं इसका सम करता हूं ना इट रिजल्ट्स इनटू जीरो, क्योंकि मेरा एक एवरेज है, कुछ एवरेज से ज्यादा है कुछ एवरेज से कम है, तो मैथमेटिकली ये जीरो हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए वी स्टार्टेड फर्स्ट कैलकुलेटिंग समथिंग कॉल्ड एज वरायंस। तो हमको चाहिए एक्स माइनस एक्स बार कितना डिविएट हो रहा है एवरेज से, बट बिकॉज वो एक्स माइनस एक्स बार को समेट करने से जीरो हो रहा है आई विल देन स्टार्ट यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज वरायंस। तो मैं क्या कर दूंगा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर कर दूंगा जिसको बोलते हैं वरायंस। बट सर अपने को तो स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, करेक्ट। तो आप मेरे को बताओ कोई भी चीज को स्क्वायर किया हुआ है और मेरे को उसका स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, करेक्ट, उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा एंड इससे मिलता है मेरे को मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब बिकॉज यहां पे मैं चीजों को स्क्वायर कर रहा हूं और फिर उसका रूट निकाल के रिस्क कैलकुलेट कर रहा हूं, मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। मैं पहले उसका वरायंस निकालूंगा, कैसे, समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, सॉरी समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी करके एंड देन फाइनली उसका रूट निकालेंगे विच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन। सो समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, इसका रूट निकालेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट गाइस? सो समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, तो पहले एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर निकाल लिया, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिया, उन तीनों का समेशन कर लिया, फिर मेरे को मिल गया वरायंस फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड जब उसी को रूट कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपको ध्यान में रखना है पहले आप यहां पे a माइनस a बार स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको p से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका समेशन करेंगे। आप लोग देखना ये ब्रैकेट को ध्यान से एवरीबॉडी, तो a माइनस a बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, फिर तो a माइनस a बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी जो मिलता है उसका जो समेशन है दैट विल बी कॉल्ड एज वरायंस, उसी का रूट निकालेंगे आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। आई होप वी आर क्लियर। इन केस ऑफ फ्यूचर बेस्ड रिटर्न्स फर्स्ट कैलकुलेट ए माइनस ए बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी देन डू द समेशन। अभी क्लियर, डन। अब एसके इन्फो में मैंने वही बताया कि क्यों अपन लोग यहाँ पे स्क्वायर वाला कर रहे हैं, बिकॉज मैथमेटिकली अदरवाइज थिंग्स विल बिकम जीरो। सो आई होप आप लोगों को रिटर्न समझ में आ गया है, एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वरायंस, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एवरेज रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। तो टोटल 7 फॉर्मूलाज वी आर डन। अब ये सब अपन लोग ने जो भी निकाला वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का था, इवेंचुअली वी आर डूइंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सो अब अपने को सब कुछ चाहिए पोर्टफोलियो का। तो अब अपन लोग कैलकुलेट करेंगे पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। सो सबसे पहले आ जाते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न के ऊपर। देखो रिटर्न कैलकुलेट करना तो मेरे को आता ही है, एक्स बार वाई बार ए बार जो भी है वो कैलकुलेट करने के लिए तो मेरे पास एवरेज रिटर्न का फॉर्मूला है समेशन एक्स बाय एन या फिर समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। सो ये करके मैं मेरा रिटर्न फाइंड आउट कर लूंगा। तो अब इस रिटर्न का मेरे जितना भी मेरा पोर्टफोलियो है उसमें मेरा ये एक रिटर्न आने वाला है, एक सिक्योरिटी का दूसरे तरीके से रिटर्न आएगा, बट उसका कितना वेट है मतलब कितना इन्वेस्ट किया है, यानी 10 लाख में से अगर मैंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एक्स के सिक्योरिटी में तो इसका मतलब 40% का वेट है मेरा, तो वेट इन टू द रिटर्न एक्स बार। फिर मेरा कोई वाई सिक्योरिटी है जिसपे मैंने बाकी का 60% इन्वेस्ट किया है तो वेट विच इज 60% इन टू वाई का रिटर्न जो मैंने अपने
एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न से कैलकुलेट किया होगा। तो आप मेरे को बताओ अभी पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला मेरे को क्या मिल जाएगा। सो रिटर्न तो वही रहेगा, सो से अभी मेरे पास पोर्टफोलियो है मतलब एक से ज्यादा सिक्योरिटी, ऐसा सोचते हैं मेरे पास एक्स भी है और मेरे पास वाई, ये दोनों सिक्योरिटी है, तो इन दोनों का पहले मैं रिटर्न निकालूंगा विच इज एक्स बार वाई बार, फिर इन दोनों का मैं वेट निकालूंगा, फिर इन दोनों का मैं वेट निकालूंगा, एंड फाइनली मुझे मिल जाएगा मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न, फाइनली मुझे मिल जाएगा मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न। एंड इन द सेम वे मेरे को पोर्टफोलियो रिस्क भी निकालना है। अब जैसे अपन लोग ने वहां पे स्क्वायर करके रूट किया था, क्या ना इसे पोर्टफोलियो लेवल पे भी अपने को स्क्वायर करके रूट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। सो अब मैं निकाल रहा हूं मेरा पोर्टफोलियो रिस्क। अब दिमाग लगाते जाओ, जैसे यहां पे तुम लोग ने निकाला वेट इनटू रिटर्न, क्या ना इसे यहां पे भी मैं निकालूंगा वेट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, बट मैं क्या करूंगा यहाँ पे वराइंस लिख लूंगा। क्यों वराइंस लिख लूंगा? बिकॉज फिर उसको मैं रूट कर सकता हूं, बिकॉज मैंने वहां पे एक बेस सेट कर दिया है रिटर्न का। सो अब रिस्क भी उसी रिस्क का मैंने एक बेस सेट कर दिया है वहां पे, यहाँ पे मैंने रिस्क का ये बेस सेट कर दिया है, तो आगे जब मैं पोर्टफोलियो रिस्क निकाल रहा हूं तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू कंटिन्यू विद दैट बेस। सो यहाँ पे वेट ऑफ एक्स इनटू ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के जगह पे वेरिएंस लिख दूंगा और फिर बाद में रूट निकालूंगा, तो वेट भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस समझो और एक सिक्योरिटी है, तो वेट स्क्वायर ऑफ वाई इनटू वेरिएंस ऑफ वाई प्लस। अब यहाँ पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज देखो रिटर्न में तो मैंने वेट ऑफ एक्स इंटू रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इंटू रिटर्न ऑफ वाई करके फाइंड आउट कर लिया, बट व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द पोर्टफोलियो रिस्क तब इंडिविजुअली एक दूसरे का रिस्क भी अपने को देखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जॉइंट रिस्क, विच इज डिफाइंड बाय द टर्मिनोलॉजी कोवेरिएंस। ठीक है, अगेन बहुत लॉजिक्स कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकते, बट फिर भी मैं मैक्सिमम कवर करने का ट्राई करूंगा। सो यहाँ पे देखना, अभी अपने पास x है, सिक्योरिटी y है, इन दोनों का इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ जो जॉइंट रिस्क है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज कोवेरिएंस। सो कोवेरिएंस ऑफ x विद y प्लस कोवेरिएंस विद y विद x, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, एंड उसके जगह पे यहाँ पे लिख दूंगा टू कोवेरिएंस एक्स वाई, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कोवेरिएंस एक्स वाई। बट ऑब्वियसली ये जो कोवेरिएंस है इंटरनली वो भी डिपेंडेंट है वेट्स के ऊपर, जिसका ज्यादा वेट उसका इंडिविजुअल रिस्क विद द अदर विल बी हायर। सो वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई, एंड इसी के साथ बनता है मेरा पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला, बिकॉज मैंने इसको रूट कर दिया है, ये इधर मैं लिख सकता हूं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, नीचे पी लिखा है दैट रिप्रेजेंट्स पोर्टफोलियो। समझ में आया? दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज द जॉइंट रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज विच इज रिप्रेजेंटेड एज कोवेरिएंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, विच इज रिप्रेजेंटेड एज कोवेरिएंस। तो अब आओ थोड़ा कोवेरिएंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो जॉइंट रिस्क बेसिकली सिक्योरिटीज के इंटरनल कनेक्शन को बताता है। मैंने यहां पे आप लोगों को देखो बताया तीन टाइप ऑफ कोवेरिएंस, जॉइंट रिस्क है वो तो बता चुका हूं मैं आपको। अब कोवेरिएंस होता है एक पॉजिटिव कोवेरिएंस, बेसिकली मैं कहना चाहता हूं पॉजिटिव रिस्क, मतलब अगर एक सिक्योरिटी ऊपर जाएगी, मेरे पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटीज है एक्स और वाई, अगर x ऊपर गई देन इन दैट केस y भी ऊपर जाएगी, तो इन दोनों में पॉजिटिव कोवेरिएंस है। अगर एक सिक्योरिटी ऊपर गई दूसरी सिक्योरिटी नीचे गई, तो इन दोनों में नेगेटिव कोवेरिएंस है। एक सिक्योरिटी कभी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कभी दोनों ऊपर कभी दोनों नीचे, कोई दोनों का कनेक्शन ही नहीं है, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ जीरो कोवेरिएंस। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है डीएलएफ एंड अंबुजा सीमेंट्स, नाउ डीएलएफ एंड अंबुजा सीमेंट्स आर बोथ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट सेक्टर, तो अगर रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा देन इन दैट केस डीएलएफ बिल्डिंग बनाएगा, डीएलएफ को बिल्डिंग बनाने के लिए अंबुजा सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव कोवेरिएंस है, एंड वाइस वर्सा जो आप लोग बाकी के सिचुएशंस में देख सकते हो। तो कोवेरिएंस मेरे को बताता है कि दो डायरेक्शन है उन दोनों का रिस्क का, दैट इज व्हाट इज डिनोटेड बाय द कोवेरिएंस। अब नीचे उसका फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, तो देखो इट इज अ जॉइंट रिस्क ऑफ ए एंड बी, यहां पे एक्स और वाई। सो जॉइंट रिस्क को मैं कैसे वर्कआउट करूंगा, तो एक ए का डिविएशन विद इट्स एवरेज, दूसरा बी का डिविएशन विद इट्स एवरेज, और उसका समेशन इज कॉल्ड एज कोवेरिएंस का फॉर्मूला। अब तक अपन लोग क्या करते थे, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए पहले वेरिएंस,
करते थे, स्क्वायर करते थे और फिर उसको स्टैंडर्ड डिविएशन पे लेके आते थे, क्योंकि खाली स्टैंडर्ड डिविएशन को एडलेस करेंगे तो वो जीरो हो जा रहा था। बट यहाँ पे तो दो सिक्योरिटीज है, तो दो सिक्योरिटीज को जब अपन लोग स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्टली उसका लेंगे और उसका समेशन करेंगे, इट विल नॉट गो टू जीरो। एंड देयरफॉर यहाँ पे जब दो सिक्योरिटीज का अपने को रिस्क कैलकुलेट करना है, वी कैन से एक ए का डिविएशन, दूसरा बी का डिविएशन, इन दोनों का जो मेरा एवरेज है डिवाइड बाय एन, या अगर मेरे को फ्यूचर के टर्म्स में बताना है तो ए माइनस ए बार, बी माइनस बी बार और इन सब का प्रोबेबिलिटी, इसका समेशन डिवाइड बाय, अच्छा इसमें तो प्रोबेबिलिटी है, सो दैट्स व्हाट गिव्स मी माय टू फॉर्मूलास फॉर कोवेरियंस। और एक बात बता दूं, कोवेरियंस आपको खाली डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है, डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब पॉजिटिव कोवेरियंस, मतलब अगर एक का रिस्क ज्यादा है तो दूसरे का भी रिस्क ज्यादा है, अगर नेगेटिव है तो एक का रिस्क ज्यादा है तो दूसरे का नेगेटिव, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नेगेटिव, तो ये खाली क्या बताता है डायरेक्शन। अब ये एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, तो ये मेरे को देखो क्या बता रहा है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो, और ये रेंज कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब समझो आगे आपको पॉजिटिव +28, तो ये 28 को इग्नोर करो, आपको क्या देखना है प्लस देखना है, प्लस मतलब पॉजिटिव कोवेरियंस है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो -35 आया, तो ये 35 को इग्नोर करो, माइनस देख लिया ना, तो आपको समझ में आ गया कि ये दोनों सिक्योरिटीज का रिस्क नेगेटिव कोवेरियंस के लेवल पे चल रहा है। तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा कि सर मेरे को एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए, ये तो आपने बता दिया डायरेक्शन, बट एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए अपन लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर आ जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज को रिलेशन कोएफिशिएंट, विच इसको कॉल्ड एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो अपने को एग्जैक्ट रेंज बताएगा -1 to +1 के रेंज का। इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट में भी मैं आपको बता दूं, तीन तरह के कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, एक होता है परफेक्टली पॉजिटिव, दूसरा होता है परफेक्टली नेगेटिव एंड तीसरा होता है जीरो, मतलब ये तीनों बताए। बाकी जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव, वैसे ही इसमें भी तीन, ये चीज आपको बताई है। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है जब आपका एग्जैक्ट दोनों में मूवमेंट हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड। सो यहां पे मैं आ जाता हूं वापस से कोएफिशिएंट कोरिलेशन के ऊपर, इट टेल्स द एग्जैक्ट डायरेक्शन, इट टेल्स द एग्जैक्ट डायरेक्शन, तो ये कैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है। सो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि ये देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट सबसे पहले इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग कॉल्ड एज आर, समथिंग कॉल्ड एज आर is denoted as covariance of AB upon standard deviation of A into standard deviation of B, जब अपन लोग करेंगे तो अपने को एग्जैक्ट उसका रिस्क पता चल जाएगा। तो यहां पे अपने को प्लस है या माइनस है वो कोवराइंस से पता चल जाएगा, प्लस वन है या -0.3 है ये अपने को पता चलेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, जिसका फॉर्मूला है आर ए बी इज इक्वल टू कोवेरियंस ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। आई होप समझ में आ गया होगा। सो ये देखो इधर कोवेरियंस का फॉर्मूला मेरे को मैंने लिख दिया, इधर मेरे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया विच गिव्स मी द एग्जैक्ट डायरेक्शन। अब मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास तीन तरह के कोरिलेशन कोएफिशिएंट होते हैं, पहला है परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव मतलब समझ ले लो दो बैंक्स HDFC बैंक और ICICI बैंक, अब गवर्नमेंट का कोई भी न्यूज आया अगर पॉजिटिव न्यूज है बैंक्स के लिए तो कैन आई से HDFC बैंक ICICI बैंक ऑलमोस्ट दोनों सेम डायरेक्शन में सेम लेवल से ऊपर जाएंगे, और नेगेटिव आया तो दोनों सेम लेवल से नीचे भी जाएंगे इन द सेम वे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड, मतलब एक अगर ऊपर गया तो दूसरा नीचे ही जाएगा फॉर श्योर। जैसे मैंने देखा है कई बार जैसे मार्केट में दो स्टॉक्स होते हैं वो लोग एकदम ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं, तो ये हो गया परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड, एंड फिर है जीरो कोरिलेशन जिसको कोई लेना देना ही नहीं है, एक दूसरे के सिक्योरिटीज में कोई रिस्क है ही नहीं, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज जीरो कोरिलेशन। सो अब अगर मेरे को लिखना हो कि भाई देखो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, तो कैन आई से मेरे को कोवेरियंस का फॉर्मूला अब लिखना आ गया है, कैन आई से इट इज द जॉइंट रिस्क, ध्यान से देखना, इट इज द जॉइंट रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज, तो अगर जॉइंट रिस्क है किसका, दो सिक्योरिटीज का, तो कैन आई से एक का रिस्क क्या होता है ए माइनस ए बार, दूसरे का रिस्क क्या होगा बी माइनस बी बार, अब मैं क्या कर लूंगा इन दोनों का समेशन डिवाइड बाय एन।
और अगर मेरे को इसके प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बताना है तो समेशन ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार इनटू प्रोबेबिलिटी एंड दिस गिव्स मी द जॉइंट रिस्क या कोवरेंस ऑफ द टू सिक्योरिटीज। इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है दोनों का डायरेक्शन क्या है। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी जीरो एज वेल। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। ये इसका जो रेंज है वो रेंज होता है इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब कोई भी रेंज में हो सकता है। अपने को रेंज नहीं देखना है, अपने को खाली उसका डायरेक्शन देखना है। एक बार डायरेक्शन मिल गया फिर बाद में अपने को जब एग्जैक्ट चाहिए तो अपन लोग जाते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के पास, जो डिनोट होता है आर से। अब ये आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी कोवेरियंस ए बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। ये मेरे को मिल गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये मुझे बताएगा एग्जैक्ट डायरेक्शन। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन मेरे को रेंज पता है कि +1 से लेकर -1 के रेंज में होगा। इसमें भी होता है परफेक्टली परफेक्टली पॉजिटिव कोवेरियंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो परफेक्टली पॉजिटिव +1 दिखाएगा दोनों सिक्योरिटी का, कोरिलेशन कोएफिशिएंट परफेक्टली नेगेटिव -1 दिखाएगा। एंड एक होता है जीरो जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है एक दूसरे के साथ। आवी क्लियर? तो कह रहे से मेरा फॉर्मूलास के साथ प्रॉपर एकदम तालमेल बैठ गया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्या पता है क्या, रिस्क का अपना, हाँ रिस्क कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर मेरा आर +1 है तो +1 का मतलब क्या हुआ, कैन आई से +1 का मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड। तो अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि बॉस कैलकुलेट द रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज ए एंड बी अज्यूमिंग दैट ए एंड बी हैव परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन या आर इज इक्वल टू +1 फॉर सिक्योरिटी ए एंड बी, देन इन दैट केस उसका फॉर्मूला आ जाएगा वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। वैसे ही अगर नेगेटिव हुआ देन इन दैट केस ये प्लस की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, एंड अगर देर इज जीरो कोरिलेशन देन इन दैट केस इट विल बी रूट ऑफ वेट ऑफ ए एंड रूट ऑफ वेट ऑफ बी, बट दोनों एट अ स्क्वायर लेवल एट अ वेरियंस लेवल। समझ में आया एवरीबॉडी? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द शॉर्टकट फॉर्मूला अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे दिया है। सो अब यहाँ पे एक बार आप लोग पेज खोल देंगे तो मैं आपको एक एक चीज बताते जाता हूँ। आफ्टर कैलकुलेटिंग द जॉइंट रिस्क कोवेरियंस फिर हमने कैलकुलेट किया था एग्जैक्ट एक्सटेंट बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट? देखो अगर उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 है, मतलब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड, तो बॉस मैं बोलता हूं कि फिर रिस्क ही नहीं है इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि अगर एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे जाएगा मैनेज। एक एकदम नीचे गया टेंशन नहीं है, दूसरा एकदम ऊपर जाएगा मैनेज। बट अगर +1 है परफेक्टली पॉजिटिव है तो इट इज वेरी वेरी रिस्की। क्यों पता है क्या, अगर दोनों ऊपर गए तो ठीक है, बट अगर दोनों नीचे गए देन इन दैट केस मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जीरो हो सकता है। इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड हाई रिस्क है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड लो रिस्क है, एंड यहाँ पे तो जीरो कोरिलेशन है तो जीरो रिस्क आ जाता है। आर मैंने आप लोगों को बता दिया है, आर का यहाँ पे क्या उसका एक्सटेंट है वो बता दिया, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन अपन लोग ने फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला बना था किसका, रिस्क का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद हो, देन इन दैट केस मैंने रिस्क का फॉर्मूला देखो क्या बनाया था। आई हैड सेड दैट रिस्क विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी से वेट ऑफ ए स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी टू कोवेरियंस ए बी इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी। ये समझ में आता है, ये सर समझ में आता है। इधर खाली मैं कोवेरियंस ए बी के जगह पे लिख सकता हूं, देखो मेरा फॉर्मूला क्या है। तो इधर मैं ना ये फॉर्मूला को थोड़ा चेंज भी कर सकता हूँ। देखो ये मेरा मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोवेरियंस ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई सो आर ए बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकता हूं। सो हियर आई विल राइट डाउन आर ऑफ ए बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, एंड मेरा ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कोवेरियंस ए बी आई कैन यूज आर ए बी
into standard deviation of A into standard deviation of B, and that is what is represented here as well. I hope समझ में आ गया होगा ये पूरी चीजें जो मैंने तुम लोग को यहाँ पे समझाई है. इसका शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी आ गया है, तुम लोग का पोर्टफोलियो फॉल. हाँ, अगर अब लास्ट चीज है यहाँ पे, दैट इज दैट अगर मोर देन टू सिक्योरिटीज है, तो तीन सिक्योरिटी के लिए हुआ तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी प्लस टू ए सी. कैन आई से ये फॉर्मूलाज, अगर अपन लोग ने ये फॉर्मूला यूज कर लिया तो अपन ये तीन सिक्योरिटी का कैलकुलेशन कर पाएंगे. सो ये देखो ए स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे बी स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे सी स्क्वायर एंड देन टू ए बी टू बी सी एंड टू ए सी. ए समझ गुड़ू एवरीबॉडी. सो ये मेरा पूरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोवेरियंस के बारे में आप लोगों को डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूं. अब अपन लोग आ जाते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको बोलते हैं एमवीपी या मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो. अब से फॉर एग्जांपल आपके और मेरे पेरेंट्स हैं, वो बोलते हैं यार मेरे को लाइफ में रिस्क लेना ही नहीं है, मेरे को ये मार्केट में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, तो मुझे कुछ उनके लिए ऐसा सेट करके देना पड़ेगा कि मेरा पोर्टफोलियो एकदम रिस्क फ्री बन जाए. वो मैं कैसे बनाऊंगा? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो. जो बोलता है कि आप ऐसा वेट लो, हेलो, जो बोलता है कि आप ऐसा वेट लो सो दैट के इन दोनों का जो ओवरऑल वेरियंस है वो एकदम कम हो जाए. और आपको अगर आपका पोर्टफोलियो का वेरियंस जीरो करना है, देन इन दैट केस उसके लिए भी मेरे पास एक हल है. एंड व्हाट आई विल डू इज, एक तो आई विल इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज विच हैव अ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, ताकि एक ऊपर गया तो नीचे जाएगा तो पोर्टफोलियो मैनेज. दूसरा, वेट ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी एट मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो. मिनिमम वेरियंस, नाम देखो इसका, वेरियंस का मतलब क्या होता है? रिस्क. तो अपने को रिस्क मिनिमम रखना है. कब हो पाएगा? जब मैं वेट इस फॉर्मूला के हिसाब से लूंगा, जब मैं वेट इस फॉर्मूला के हिसाब से लूंगा. तो सर एमवीपी का फॉर्मूला क्या है वो बता दो फटाफट. तो एमवीपी का फॉर्मूला कुछ ऐसा है. व्हाट इज एमवीपी? मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो. मेरे को फाइंड आउट करना है वेट ऑफ ए, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं वेरियंस ऑफ बी से. सो इट विल बी वेरियंस ऑफ बी माइनस कोवेरियंस ऑफ ए बी अपॉन वेरियंस ऑफ ए प्लस वेरियंस ऑफ बी माइनस टू कोवेरियंस ए बी. इससे मुझे पता चल जाएगा वेट ऑफ ए, और फिर वन माइनस वेट ऑफ ए करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वेट ऑफ बी. ए समझ गुड एवरीबॉडी. दिस इज अबाउट योर मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो. सो ये अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो मेरा जो वेरियंस है वो एकदम कम रहेगा एंड आई विल बी टेंशन फ्री. बट वेट्स आपको ये यूज करना याद रखना, इससे आपको वेट्स पता चलता है. मतलब कि भाई कितना, सपोज दो सिक्योरिटी है इंफोसिस और रिलायंस, तो मेरे को पता चलेगा कि भाई मेरे को मिनिमम वेरियंस रखना है. मम्मी पापा के लिए अगर अपने को एक पोर्टफोलियो बनाना है तो वी विल यूज इट, तो उसमें वेट क्या होना चाहिए एज पर एमवीपी. और एकदम पोर्टफोलियो का वेरियंस जीरो ही कर देना है तो आपको ऐसी सिक्योरिटीज लेनी है जो माइनस वन परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, जिसका आर माइनस वन है एंड जो एमवीपी पे है, एंड यू विल गेट अ टोटली रिस्क फ्री पोर्टफोलियो. बट उतना नहीं है, थोड़ा रिस्क कम रखना है खाली, तो वेट आप मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो से निकाल लो एंड यू विल गेट योर सोल्यूशन. फिर बाद में आ जाता है समथिंग कॉल्ड एज डोमिनेंस प्रिंसिपल. इसको बोलते हैं मार्कोविच एफिशिएंट फ्रंटियर थियोरी भी बोलते हैं. सो इसको मार्कोविच एफिशिएंट फ्रंटियर भी बोलते हैं, डोमिनेंस भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, सपोज आपके पास दो सिक्योरिटी है, सपोज आपके पास दो नहीं ज्यादा सिक्योरिटी, सपोज पांच सिक्योरिटीज है, पांचों सिक्योरिटी का समझो सेम टू सेम रिटर्न है, तो आप उसमें से वो सिक्योरिटी सिलेक्ट करोगे जिसका रिस्क लोएस्ट है, विच इन आर एग्जाम्पल इज ए बी सी डी ई एफ का. अगर आप लोग रिटर्न देखोगे इट इज सेम, बट अपन लोग इसमें से चूज कौन सा करेंगे जिसका रिस्क एकदम कम ही कम है, जिसका रिस्क एकदम कम से कम है. तो वो कितना है? 20% एक है. तो जैसे ही मैंने ये देखा मैं बाकी सबको इग्नोर कर दूंगा, बोल दूंगा अब मैं बी सी डी ई एफ में तो कभी इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं. अगर मेरे पास ए है जो सेम रिटर्न लोएस्ट रिस्क में दे रहा है, एंड वाइस वर्सा अगर सबका सेम रिस्क है बट अगर कोई रिटर्न मेरे को हाईएस्ट देता है, देन इन दैट केस कैन आई से मैं बाकी सबको साइड पे रख दूंगा एंड आई विल सिलेक्ट द वन
विद द हाईएस्ट रिटर्न बट सेम लेवल ऑफ रिस्क. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये रूल वन एंड रूल टू जो है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एफिशिएंट फ्रंटियर. कि अगर सेम रिटर्न आ रहा है डिफरेंट रिस्क है, चूज द सिक्योरिटी विद द लोएस्ट रिस्क. एंड अगर सेम रिस्क है बट अपने को चूज करना है तो चूज द सिक्योरिटी विद द हाईएस्ट रिटर्न, बाकी सबको साइड पे रख दो. आर वी क्लियर? डन. एंड अगर समझो डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न है तो फिर आपको एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से डिसीजन ले सकते हैं विच स्पीक्स ऑफ रिस्क बाय रिटर्न विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन. सो अगर यहाँ पे अपन लोग ने फिर स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन का फॉर्मूला यूज कर लिया तो भी काम चल जाएगा. यहाँ पे लोअर द बेटर. देखो न्यूमरेटर में ना रिस्क है, जैसे ही न्यूमरेटर में अपन लोग ने देखा कि यार रिस्क है तो वी वॉन्ट द न्यूमरेटर रिस्क जो है वी वांट इट टू बी लोअर. सो जो न्यूमरेटर को चाहिए वही अपने को एज फॉर अ रेशियो चाहिए. सो लोअर द रिस्क बेटर इट इज. सो इसमें जो सबसे लीस्ट है विच इज 0.63 वी विल चूज दैट एज अ ऑप्शन. समझू एवरीवन? सो ये होता है एफिशिएंट मार्कोविच एफिशिएंट फ्रंटियर या डोमिनेंस प्रिंसिपल. ये पे अपने एग्जांपल में ए हैज डोमिनेटेड बी सी डी ई एफ, डी हैज डोमिनेटेड ए बी सी ई एफ. एंड अगर मैं ये डोमिनेट कर रहा है तो वी विल ऑलवेज चूज दैट एंड इग्नोर ऑल अदर्स. और उसके बाद में आ जाता है इधर रिटर्न रिस्क कॉम्बिनेशन विच इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला रिस्क अपॉन रिटर्न या स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन. लोअर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेटर इट इज. एंड लेट मी टेल यू, इसी के साथ मेरा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कोविच कंप्लीट. और अब अपन लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज द CAPM मॉडल गिवन बाय शार्पे. बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा MVP था और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. दैट इज गिवन बाय रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो और अ सिक्योरिटी अपॉन रिटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन या जिसको अपन बोल सकते हैं अपॉन रिस्क रिटर्न. तो रिस्क रिटर्न बेसिकली देख लेते हैं अपन जिससे अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिलता है. एंड वी ऑलवेज से दैट लोअर इट इज द बेटर इट इज. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो विद दिस वी कंप्लीट द हैरी मार्कोविच का मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी. और अब चल रहे अपन लोग इन टू द नेक्स्ट थियोरी विच इज शार्पे CAPM मॉडल. तो CAPM मॉडल भी टोटल रिस्क के बारे में बोलता है बट वो क्या बोलता है कि भाई ये जो टोटल रिस्क है ना इसको डिवाइड किया जा सकता है दो पार्ट में. एक है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क. तो सर ये सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या होता है? आओ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं इन द नेम ऑफ विलियम शार्पे. क्या बोलता है हमारा CAPM मॉडल? सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क को डिवाइड किया और बोला कि सिस्टमैटिक रिस्क इज दैट रिस्क विच इज अनअवॉइडेबल विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन कंपनी. जैसे कि अगर किसी भी जगह पे वॉर हो रहा है तो ऐसा अगर वॉर हो गया देन इन दैट केस वो कंट्री के सारे कंपनीज को एक साथ एक तरह से अफेक्ट करेगा. या फिर फॉर एग्जांपल कंपनी का मॉनेटरी पॉलिसी है जहां पे उसने इन्फ्लेशन का डेटा शेयर किया तो इन्फ्लेशन का डेटा विल बी कॉमन फॉर ऑल द कंपनीज टुगेदर. वैसे अगर इंटरेस्ट रेट RBI इकोनॉमिक गवर्निंग पॉलिसी ने कुछ दिया सो ऐसे सब चीजों को बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क. जहां पे किसी एक कंपनी का इंटरनल कोई भी होल्ड नहीं है एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंपनी. तो ऐसा रिस्क को कोई भी कंपनी को मैनेज नहीं कर सकता इन द सेंस किसी को भी पता नहीं होता है पहले से. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क अनअवॉइडेबल रिस्क. इट इज अ मार्केट स्पेसिफिक रिस्क. मार्केट में जो भी चीज हुई वो कंपनी को बेयर करना पड़ेगा. बट ऑपोजिट इज द अनअवॉइडेबल रिस्क द अवॉइडेबल रिस्क विच इज कॉल्ड एज द अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलता है दैट इट इज कंपनी स्पेसिफिक. कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजी, लेट्स से फॉर एग्जांपल जियो ने प्रेडेटरी प्राइसिंग या पेनेट्रेशन का प्राइसिंग का स्ट्रैटेजी लगाया, उससे उसको बेनिफिट हुआ एंड इट कॉन अक्वायर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स. वैसे ही एप्पल अपना पॉलिसी में स्कीमिंग पॉलिसी लगाता है, स्टार्टिंग में बहुत हाई प्राइस रखता है. तो हर एक कंपनी का खुद का स्ट्रैटेजी है, खुद का गवर्नमेंट मैनेजमेंट पॉलिसीज होता है उसका. तो वो सब चीजें कंपनी स्पेसिफिक हो जाती है. अगर कोई स्कैम निकला तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कंपनी एंड कंपनी की वजह से ही वो होता है और उसी को कंपनी उसको मैनेज कर सकती है. तो विलियम शार्पे का कहना है कि जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कोई कंपनी में तो ही इज टेकिंग अ सिस्टमैटिक रिस्क. जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो तो आप ढंग की कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो और उसके लिए आपको हम कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देने वाले. बट बिकॉज आप मार्केट में आए हो
पर आप मार्केट में आके सिस्टमैटिक रिस्क ले रहे हो, तो वो सिस्टमैटिक रिस्क के लिए हम आपको डेफिनेटली कॉम्पेंसेट करेंगे, इज व्हाट विलियम शार्पे सेड। एंड उसने बोला कि जब आप एज अ इन्वेस्टर कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न आप चाहोगे कोई भी मार्केट के इन्वेस्टमेंट से, एक शेयर से, तो वी विल एंश्योर दैट आपको रिस्क फ्री रिटर्न तो मिल ही रहा है, उसके साथ में मार्केट में रिस्क लिया है आपने, सिस्टमैटिक वाला जो रिस्क लिया है, वो सिस्टमैटिक रिस्क लेने के लिए आपको एक मार्केट रिस्क प्रीमियम भी दिया जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला मेड बाय विलियम शार्पे कॉल्ड एज द CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आओ इसको आप समझने की और जरा कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे है मेरा नॉन डाइवर्सिफाइबल सिस्टमैटिक मार्केट स्पेसिफिक रिस्क, रिस्क दैट अफेक्ट्स द एंटायर मार्केट, नॉट जस्ट अ पार्टिकुलर स्टॉक और इंडस्ट्री। ठीक है, तो इट अराइजेस क्यू क्यू अराइज होता है ड्यू टू जनरल इकोनॉमिक मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे कि ले लो मॉनिटरी पॉलिसी, ग्लोबल फैक्टर्स हो गया, इन्फ्लेशन, वॉर, पॉलिटिकल रेगुलेटरी फैक्टर्स, से फॉर एग्जाम्पल कौन सी गवर्नमेंट का पॉलिटिकल पार्टी बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीबडी, इट इज अ सिस्टमैटिक रिस्क, कोई अवॉइड नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं है वो। रिस्क अफेक्ट्स एवरी कंपनी इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, इंडस्ट्री और इकोनॉमी, देयरफॉर सिस्टमैटिक रिस्क इज अनअवॉइडेबल, कैन नॉट बी रिमूव्ड इवन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। एंड इसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट है डाइवर्सिफाइबल, या जिसको बोलते हैं अपन सिस्टमैटिक रिस्क। द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन अ कंपनी दो होती है, एक बिजनेस रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क। ये अराइजेस ड्यू टू कंपनीज इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, उसका चेंज इन मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटजीज, स्कैम्स और अदर अनफोर्सीन इवेंट। तो आपने फॉर एग्जांपल रिलायंस में इन्वेस्ट किया और उसके बाद में रिलायंस स्प्लिट हो गया, मुकेश अंबानी ग्रुप, अनिल अंबानी ग्रुप, अब ये आपका फाइनेंशियल अक्यूमेन है कि आपको अब मुकेश अंबानी ग्रुप में अगर इन्वेस्ट करते तो 100 का 10,000 हो जाता, और यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो 100 का 0 हो जाता। सो दैट इज अ डाइवर्सिफाइबल कंपनी रिस्क, जो आपने आपका दिमाग लगा के लिया है। बट अगर कहीं पे वॉर हो गया तो उसमें ना इंफोसिस कुछ कर सकता है, ना रिलायंस कुछ कर सकता है, ना टाटा कुछ कर सकता है, ना आपका इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन कुछ कर सकता है। समझ में आ रहे? वैसा द रिस्क दैट ये कंपनी स्पेसिफिक है, द रिस्क दैट अफेक्ट्स डायरेक्टली टू द पार्टिकुलर कंपनी मे नॉट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इट्स पीयर और इंडस्ट्री, दे आर अवॉइडेबल एंड देयरफॉर कैन बी प्रोटेक्टेड और इंश्योर्ड, एंड हेंस इसके लिए आपको हम कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। तो यही CAPM मॉडल बोलता है। तो वो क्या बोलता है कि भाई देखो, एक तो आपको जो रिस्क फ्री रिटर्न प्रॉमिस किया है वो तो देना ही है। देखो मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। तो आपको अगर एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है जो रिस्क फ्री रिटर्न दे ही रहा है, बट आई वॉन्ट एन एक्स्ट्रा रिटर्न। सो ये जो मेरा रिस्क फ्री डिपॉजिट, रिस्क फ्री के ऊपर एक्स्ट्रा रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में इन्वेस्ट करने से, इज कॉल्ड एज RA-RF, दिस इज योर मार्केट रिस्क प्रीमियम, दिस इज योर मार्केट रिस्क प्रीमियम। सो अब मैं अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं रिस्क फ्री इन्वेस्ट एक्सपेक्ट करूंगा ही करूंगा, कि भाई से फॉर एग्जाम्पल रिस्क फ्री मार्केट में रेट चल रहा है फिक्स डिपॉजिट पे 7%, तो चाहिए ही चाहिए। मार्केट का रिटर्न है 12% -7%, तो 5% एक्स्ट्रा मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो इन शॉर्ट मेरे को मार्केट से 12% चाहिए। अब सुनो, अब मैं टाटा में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन अलग होगा, मैं इंफोसिस में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन अलग होगा, और मैं एक वोडाफोन आइडिया के शेयर में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन अलग होगा। तो वो कैसे डिफाइन होगा? क्योंकि रिस्क फ्री तो पूरे इंडिया का सेम ही रहना है रेट, मार्केट रिटर्न तो पूरे इंडिया का सेम ही रहना है। सो क्या 7 + 5 = 12 सब इनकम कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, क्या उससे 12% ही रिटर्न एक्सपेक्ट करूं? तो यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज बीटा। बीटा बीटा जी हाँ, बीटा बोलता है दैट दिस जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो विल ऑल्सो बी स्टॉक स्पेसिफिक, कि आप जिस स्टॉक में, जिस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मार्केट से कितना डिविएट करता है या मार्केट से कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया और मेरा जो वोडाफोन आइडिया है वो 300 पॉइंट ऊपर गया, तो इसका मतलब मेरा वोडाफोन आइडिया 3 टाइम्स
वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू मार्केट, तो अगर मुझे वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना है देन इन दैट केस आई विल एक्सपेक्ट अ 3 times मोर रिटर्न देन द जनरल मार्केट रिस्क विच विल देयरफॉर बिकम 12 - 7 5% में मार्केट रिस्क भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बट वोडाफोन में डाल रहा हूं तो 3 times एक्स्ट्रा करूंगा एंड दैट विल बी 15 प्लस जो मेरा टिपिकल 7 है वो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, समझ में आया। सो इसका मतलब अपने को सीएपीएम भैया क्या बोलते हैं, अपने को सीएपीएम भैया जो विलियम शार्पे भाई ने जिसमें बनाने में हेल्प किया है वो बोलता है कि अब से इक्विटी इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रिटर्न या जिसको मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड रिटर्न होगा, भाई रिस्क फ्री तो रहना ही है, आरएम माइनस आरएफ तो लाना ही है, बट अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है। जितना वो कंपनी का शेयर वॉलेटाइल है मार्केट के साथ उतना आपको टाइम्स रिटर्न मिलेगा। अब से फॉर एग्जांपल एक लार्सन ट्यूब्रो है वो एकदम स्मूथ कंपनी है, उसका मार्केट के साथ वोलेटिलिटी है 0.1, मतलब जितना मार्केट ऊपर नीचे करता है ये जो मेरा से 1.1 सॉरी ये जो मेरा लार्सन ट्यूब्रो है वो भी उतना ही वॉलेटाइल है। मतलब अगर मेरा 100 पॉइंट से ऊपर गया तो लार्सन एंड ट्यूब्रो 110 पॉइंट से ऊपर जाएगा, अगर मेरा 200 पॉइंट से नीचे गया तो लार्सन एंड ट्यूब्रो 220 पॉइंट से नीचे जाएगा। तो कहना इसे 1.1 का वोलेटिलिटी है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं हुआ, मतलब मार्केट से 5% एक्सपेक्टेड है और मैंने लार्सन एंड ट्यूब्रो में किया तो 5.5 यहाँ पे प्लस 7 बस 12.5% एक्सपेक्टेड होगा। एट द सेम टाइम कोई ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जिस जो मार्केट से एकदम बोलते हैं ना अनरिलेटेड होते हैं, बहुत कम जो वॉलेटाइल होते हैं, तो ऐसे केस में से 0.1 भी हो सकता है। तो मार्केट का रिटर्न है 5 × 0.1 तो ये तो खाली मतलब 0.5 ही एक्सपेक्टेशन होगा इस केस में अगर मैं ऐसे स्टॉक में डालता हूं जो मार्केट से कोई कनेक्शन ही नहीं रखता है, समझ में आया आपको। सो से फॉर एग्जाम्पल कोई बॉन्ड एंड डिबेंचर में डाला तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनका यूजुअली जो रिटर्न होता है जो वॉलेटिलिटी होता है मार्केट के साथ वो बहुत कम होता है, तो इनका वॉलेटिलिटी है खाली 0.1। तो अगर मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा 60% तो मेरे को चाहिए ही चाहिए प्लस और कितना और खाली 0.5, तो बॉन्ड का और फिक्स डिपॉजिट का जो रिस्क फ्री रेट है उसका रिटर्न आप लोग देखोगे कि बॉन्ड का थोड़ी थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ रिस्क फ्री। सो दिस इज हाउ द होल वोलेटिलिटी के बेसिस पे जो बीटा फैक्टर है उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट होता है सीएपीएम का एंड देन अ डिसीजन इज टेकन कि हाँ भाई अगर ये उतना रिटर्न ला पाएगा ये पार्टिकुलर शेयर तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज इसमें इन्वेस्ट करके मतलब नहीं है। सो दिस इज अबाउट योर सीएपीएम रिटर्न। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर ये आरएम क्या है, या बोल रहे हो मार्केट रिटर्न तो मार्केट में क्या आता है, तो बेसिकली मार्केट में आता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो रिप्रेजेंट करता है मार्केट को। निफ्टी में आते हैं टॉप 50 कंपनीज एंड सेंसेक्स में आते हैं टॉप 30 कंपनीज। ये खाली मैंने आप लोग के ज्ञान के लिए थोड़ा लिखा कि भाई क्या आता है, बीएससी को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स, एनएससी को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी, कैन जस्ट रीड थ्रू। अब आ जाते हैं अपन लोग बीटा के ऊपर, भाई इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डिसाइड होगा मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो चलो आप इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, देखो इट इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए तो अपन कॉम्पेंसेट ही नहीं कर रहे इन्वेस्टर को, उसको बोल रहे भाई अनसिस्टमैटिक रिस्क को अगर देखो दूर करना है ना तो कंपनी अच्छी चूज कर जिसमें अच्छा मैनेजमेंट हो, स्कैम ना हो, और ऐसा डाइवर्सिफिकेशन कर कि वो रिस्क ही तेरा हट जाए। हाँ सिस्टमैटिक रिस्क कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, चल उसके लिए हम लोग तेरे को करवाते हैं कुछ कॉम्पेंसेट, कैसे, तो थ्रू बीटा विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाट डज बीटा रिप्रेजेंट, इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट, कैलकुलेट्स द इंपैक्ट ऑफ मार्केट ऑन सिक्योरिटी, इंपैक्ट ऑफ मार्केट ऑन सिक्योरिटी। तो बीटा कैन बी एनीथिंग, बीटा कैन बी 1, मतलब बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब जैसे जैसे मार्केट मूव हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे मेरा ये स्टॉक मूव होगा, इट इज एज गुड एज मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया अगर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। रिस्क एंड फॉल ऑफ स्टॉक विल बी इक्वल टू दैट ऑफ मार्केट, बट अगर बीटा इज मोर देन 1 तो रिस्की है, क्योंकि अगर बीटा 100 से गिरा देन इन दैट केस मेरा शेयर 200 से गिरेगा
और 100 से ऊपर गया तो 200 ऊपर जाएगा, तो वो रिस्की हो गया. सो राइज एंड फॉल विल बी हायर देन दैट ऑफ द मार्केट रिस्की. इन केस ऑफ द अदर तो राइज एंड फॉल विल बी लोअर देन दैट ऑफ द मार्केट. ये हो गया लेस रिस्की, जैसा मैंने आपको बताया था बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. फिर बाद में बीटा जीरो भी होता है, रिस्क फ्री रिटर्न. जो अगर मेरे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है तो उसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है. इंडिकेट्स वेरी लेस और नो इम्पैक्ट ऑफ मार्केट. एंड बीटा नेगेटिव भी होता है, स्पेशल इन केस ऑफ गोल्ड. आप लोग नोट करना एक बार के अगर मार्केट जिस दिन ऊपर जाता है ना, गोल्ड नीचे जाएगा. जिस दिन मार्केट नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा. तो उनमें एक नेगेटिव बीटा है. या वॉर डिफेंस सेक्टर कंपनीज जो है ना, उसमें भी नेगेटिव बीटा होता है. क्या होता है पता है क्या? से कहीं पे वॉर ब्रेकआउट हो गया, से इंडिया और कोई एनिमी कंट्री का वॉर ब्रेकआउट हो गया, ऐसे सिचुएशन में इंडिया का मार्केट गो डाउन. बराबर, इंडिया का मार्केट विल गो डाउन बिकॉज अब सारा का सारा फोकस वॉर रिलेटेड चीजों के ऊपर हो जाएगा. सो इंडिया स्टॉक मार्केट विल गो डाउन. बट अगर कोई डिफेंस कंपनी है, क्या ना इसे वॉर के टाइम पे डिफेंस कंपनी का डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा. तो ये दोनों में नेगेटिव बीटा हो गया, मार्केट नीचे गया, डिफेंस सेक्टर ऊपर गया. और से फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे वॉर का कोई चांस ही नहीं है तो मार्केट अपना ऊपर जाते जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में, पर डिफेंस की जरूरत ही नहीं है, ये नीचे आते जाएगा. एक नेगेटिव बीटा सेट हो जाता है. समझ में आ गया एवरीबॉडी? सो दिस इज अबाउट योर कैलकुलेशन ऑफ बीटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न बाय सीएपीएम. अब इसमें कई बार है ना, डायरेक्टली वो लोग मार्केट रिटर्न आरएम नहीं देते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको पता है क्या, पांच स्टॉक देंगे और पांच स्टॉक का एक रिटर्न दे देंगे. अब अगर डायरेक्टली मार्केट का रिटर्न नहीं दिया, निफ्टी में तो 50 स्टॉक है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, इतने सारे स्टॉक्स दे नहीं सकते वो लोग, तो अपने को क्या करने का, जो स्टॉक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में उन्हीं को कंबाइन कर लेने का, उनका एक एवरेज निकाल लेने का और बोलने का, यही अपना मार्केट का रिटर्न रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज आपने और कुछ दिया ही नहीं है. दैट इज राइट. सो मार्केट रिटर्न इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इन सच सिचुएशन द आरएम इज नॉट, इफ द आरएम इज नॉट गिवन, इफ आरएम इज नॉट गिवन, then it is to be calculated separately by taking average return of all securities in the question and assuming all those securities make the market. So, सबका सिक्योरिटी, जितना भी पांच सिक्योरिटी क्वेश्चन में दिया उसका एक एवरेज लेके बोलने का, यही मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, यही हमारा आरएम है. समझ में आया? सो एज पर सीएपीएम फॉर्मूला फाइनली मेरे पास आ गया है, आरएम प्लस बीटा आरएम माइनस आरएम. ऑल्सो याद रखना, जब अपने को ये निफ्टी का रिटर्न कैलकुलेट करना हो तो दो चीजें होती है उसमें, एक चेंज इन प्राइस ऑफ निफ्टी एंड डिविडेंड यील्ड दिया होगा, ये दोनों को ऐड करना, उससे आपको मिलेगा आपका निफ्टी रिटर्न. तो ये क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट है ये दोनों, तो इसके लिए बता रहा हूं. क्या कि कभी कभी निफ्टी रिटर्न नहीं दिया होगा डायरेक्टली, तो क्या करना है आपको, चेंज इन निफ्टी देखना है प्लस डिविडेंड यील्ड दिया होगा निफ्टी का, दोनों को ऐड कर दो, उससे आपको मार्केट रिटर्न मिल जाएगा. या फिर जो पांच सिक्योरिटीज दिया उसका एवरेज रिटर्न निकालो, उससे आपको आरएम मिल जाएगा. एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क. सो आरएफ दिया होगा रिस्क फ्री रिटर्न, आरएम, अब अपना काफी सारा डिटेल में डिस्कशन हो गया कि मार्केट का रिटर्न, मार्केट क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो एवरेज रिटर्न है वो. बट अगर वो डायरेक्टली नहीं दिया है तो अपन लोग एवरेज ले सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया है उसका. एंड फाइनली बीटा जो बताता है वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक विद दैट ऑफ द मार्केट. फॉर्मूला अब कैलकुलेट कैसे करना है बीटा का, चलो आओ वो उस चीज के ऊपर आ जाते हैं. तो सबसे पहला जो फॉर्मूला अपने को यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न, जेफे जेफे. तो वोलेट क्या है बीटा, वोलेटिलिटी ऑफ मार्केट एंड शेयर. सो अपना मार्केट में कितना रिटर्न हुआ और उसका इंपैक्ट मेरी सिक्योरिटी पे क्या आया. मैंने एक एग्जांपल लिया है, मार्केट में मूवमेंट हुआ 600 रुपए का और मेरा जो इंफोसिस का शेयर है वो 300 रुपए से मूव हुआ, तो 600 रुपए से मार्केट बढ़ा, 300 रुपए से निफ्टी बढ़ा, तो कहना इससे 50% के हिसाब से बढ़ रहा है निफ्टी. मार्केट अगर से फॉर एग्जांपल 300 पॉइंट से बढ़ा और इंफोसिस 150 पॉइंट से बढ़ा, कहना इससे 50% रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा. अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो 300 बाय 600.5 एंड यहाँ पे 150 डिवाइड बाय 300, ये भी 0.5 आ जाएगा. सो चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न. दूसरा देखो बीटा क्या है, कैन आई से इट इज अ जॉइंट रिस्क बिटवीन सिक्योरिटीज एंड मार्केट, करेक्ट. सो सिक्योर कोई भी चीज का जॉइंट रिस्क के लिए अपन लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, अभी यूज किया था कोवराइंस. सो यहाँ पे कोवराइंस ऑफ सिक्योरिटी विद द मार्केट विद, ऑब्वियसली यहाँ पे वराइंस ऑफ द मार्केट बिकॉज मार्केट इज एट द बेस.
मार्केट को बेस लेके अपन लोग देख रहे हैं सिक्योरिटी का मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो उसका कोवरेंस डिवाइड बाय इट्स वरायंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला टर्म्स में कोवरेंस कोई भी दो चीज का ए माइनस ए बार सिक्योरिटी माइनस सिक्योरिटी बार इंटू बी माइनस बी बार मार्केट माइनस मार्केट बार अपॉन मार्केट माइनस मार्केट द होल स्क्वायर। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब याद रखना कोवरेंस को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, आर सिक्योरिटी मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एस इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम। सो आप बीटा को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ये वेरियस वेरियस फॉर्मूलाज है, चलो आप लिख लेते हैं कि भाई देखो बीटा को कैलकुलेट करने का क्या क्या फॉर्मूलाज है। सबसे पहला फॉर्मूला है चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न। सो चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न, ये आया मेरा पहला फॉर्मूला। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग अपने दूसरा फॉर्मूला के ऊपर, जो बोलता है कि भाई जॉइंट रिस्क। हेलो, दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है सर? दूसरा फॉर्मूला बोलता है जॉइंट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एंड द मार्केट। तो सिक्योरिटी का जॉइंट रिस्क मतलब कहना इसे कोवेरियंस ऑफ एस विद मार्केट, और बेस यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट का है तो वेरियंस ऑफ मार्केट। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ समेशन ऑफ एस माइनस एस बार एम माइनस एम बार एंड समेशन एम माइनस एम बार द होल स्क्वायर। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। बट ये कोवेरियंस कैन आल्सो बी रिटन एज कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विद मार्केट कैन आल्सो बी रिटन एज आर एस एम। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी विद द मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट इनटू वेरियंस ऑफ द मार्केट, ये कैंसिल होके ये एक नया फॉर्मूला आपका बन सकता है बीटा का आर एस एम इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट। वाह वाह, रिविजन लेक्चर में आप लोग के साथ एक फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, और क्या चाहिए लाइफ मैन। और एक फॉर्मूला आप लोग को दिखेगा रिग्रेशन एनालिसिस का, इट इज हार्डली यूज्ड। तो ये आप लोग का एक बार गो थ्रू कर सकते हो, समेशन एक्स माइनस एक्स बार सॉरी समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर, हार्डली हार्डली यूज। मार्केट रिटर्न एक्स रिप्रेजेंट करता है, सिक्योरिटी रिटर्न अपना वाई यूज कर सकता है। फिर आ जाते हैं पोर्टफोलियो बीटा पे। देखो कोई भी चीज का इंडिविजुअल रिटर्न निकालना सीखाना, उसके बाद उसका पोर्टफोलियो पे आई जाने का, बिकॉज चैप्टर इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअली देख रहा हूँ बीटा को यूज करके कर रहे, अब मेरे को अगर फाइंड आउट करना है कि मेरे पूरे पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, मेरा ये इंडिविजुअल बीटा तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, मेरा इंडिविजुअल बीटा तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा। बट अगर मेरे को यहाँ पे बीटा किसका मेरे पूरे पोर्टफोलियो का निकालना है, तो मैं बोलूंगा बीटा ऑफ से सिक्योरिटी एक्स प्लस बीटा ऑफ से सिक्योरिटी वाई से बीटा ऑफ से सिक्योरिटी जेड। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, किसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं वेट के साथ, कि भाई वेट कितना है एक्स का, वेट कितना है वाई का, और वेट कितना है जी का, जिससे मुझे पता चलता है कि पोर्टफोलियो बीटा कितना आता है। समझ गए एवरीबॉडी? यस सर। सो ये था आपका अबाउट पोर्टफोलियो बीटा। सो ये देखो वेट ऑफ सिक्योरिटी ए, वेट ऑफ सिक्योरिटी बी इन द मार्केट, तो ऐसे जो भी उसका वेट है That will be used, and last is decision based on CAPM. बहुत important चीज है। अब ये देखो मेरा CAPM के through required return कितना है, तो यहाँ पे question ने बोला है कि मेरा CAPM के through required return है से 10%, मेरा expected return आया कितना है, तो से for example 8%। अब सुनो ये expected return कौन सा है, as per Markowitz, तो Markowitz बोलता है कि boss अपनी जो शेयर है उसका रिटर्न तो 8% ही आने वाला है, बट सीएपीएम बोलता है नहीं नहीं मेरे को तो 10% रिटर्न चाहिए, तो क्या आप ऐसा सिक्योरिटी बाय करोगे क्या? द आंसर इज नो नो नो। भाई मेरा मार्कोविच के हिसाब से एक्सपेक्टेशन सॉरी मेरा सीएपीएम के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है 10% के बाद 10% रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, बट हमारा जो मार्कोविच है वो बोल रहा है कि यार मैंने सब कैलकुलेशन करके देख लिया पास्ट का फ्यूचर का प्रोबेबिलिटी, अपने को तो 8% ही रिटर्न आएगा एक्सपेक्टेशन, तो अपन बोलेंगे यार ऐसा सिक्योरिटी नहीं चाहिए जो अपने रिक्वायरमेंट को ही मीट नहीं कर पाया, मेरे रिक्वायरमेंट से कम रिटर्न लाके दे रहा है, एंड देयरफॉर वी विल से इट इज ओवरवैल्यूड एंड सेल। दूसरा अपन लोग बोलेंगे कि भाई देखो अगर सीएपीएम अपने को दे रहा था अपने को चाहिए कि भाई 10% रिक्वायर्ड रिटर्न है, बट अपना मार्कोविच बोलता है नहीं नहीं ये सिक्योरिटी तो 12% रिटर्न लाके देगी, तो अपन बोलेंगे बहुत अच्छी है ये तो सिक्योरिटी, वी विल बाय इट, एंड अगर इक्वल हुआ तो वी विल होल्ड इट, वी विल से कि ठीक है थिंग्स आर गोइंग ऑन आर राइट ट्रैक। सीएपीएम रिटर्न कैलकुलेट होगा आरएफ
प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस हिसाब से आपका डिसीजन लिया जाता है। मैं आपको यहाँ पे फिर भी एक बार वापस वर्कआउट करके बता देता हूँ कि भाई देखो, सी ए पी एम का जो रिटर्न है ना, वो है मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न, से वो मेरे को 10% चाहिए। फिर बाद में है मेरा मार्कोविच का मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी का रिटर्न, वो मेरा आ रहा है खाली 8%। तो मैं यहाँ पे सिचुएशन क्या बना रहा है कि मेरा सी ए पी एम का रिटर्न जो मेरे को एक्सपेक्टेशन है, जो मेरे को रिक्वायर्ड है, दैट इज मोर देन माय एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे। तो अब मेरा ये मेरा रियल रिटर्न है कि भाई ये मेरे को इतना रिटर्न आने वाला है। तो मेरे को रिटर्न, रियल रिटर्न आने वाला है 8%, मेरे को चाहिए 10%। आप मेरे को बताओ मैं ऐसा शेयर करूं खरीदूंगा क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज मैं बोल दूंगा ये ओवर वैल्यूड है एंड आई विल सेल। एंड इसी का ऑपोजिट अगर होगा कि भाई मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न था 10% का, बट मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर आया आपके लिए 12%, देन इन दैट सिचुएशन मैं बोल दूंगा कि यार ये तो बहुत अच्छा किया, ऐसे शेयर को तो बाय करना चाहिए, ऐसे शेयर तो अंडर वैल्यूड है। हे समझ गुरु, आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस टेल्स अस अबाउट द डिसीजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन सी ए पी एम मॉडल। अच्छा एवरीबॉडी, चलो अब अपन लोग चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको बोलते हैं शार्पे इंडेक्स मॉडल। तो शार्पे इंडेक्स मॉडल अपने को सबसे पहले बताएगा कि भाई देखो, ध्यान रखना एक चीज कि जैसे भी आप लोग ने ये फॉर्मूला देखा होगा, आर आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। से कोई भी फॉर्मूला देखोगे ना, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम इक्वेशन। यहाँ पे वो खाली बता रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो डिपेंडेंट फैक्टर होता है वाई, फिर इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। तो ये जो अपन लोग बचपन में फॉर्मूलाज पढ़ते थे, एल्जिब्रेक फॉर्मूलाज पढ़ते थे, उसी से डिराइव इक्वेशन है ये। अब बेसिकली आ जाते हैं शार्पे इंडेक्स मॉडल के ऊपर, विच स्पीक्स ऑफ टू थिंग्स, एंड दैट इज यहाँ पे शार्पे इंडेक्स मॉडल बेसिकली तवज्जो फोकस देना चाहता है अनसिस्टमैटिक रिस्क को। वो बोलता है कि यार देखो, जो भी रिस्क है उसमें सिस्टमैटिक रिस्क तो है, कोई भी कंपनी में अपन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क है, जिसके लिए इन्वेस्टर को मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसका अनसिस्टमैटिक रिस्क भी तो इन्वॉल्व होता ही है ना, भले ही वो थोड़ा कम हो, भले ही वो अपने फॉर्मूला में अपन लोग ने ले लिया, बट दैट इज इन्वॉल्व इज देयर। यस, दैट अनसिस्टमैटिक रिस्क फ्रॉम नाउ विल बी कॉल्ड एज रेसिडुअल एरर, स्टैंडर्ड एरर, ओनली एरर, या उसको बोलते हैं माइन्यूट एरर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वैरियंस ऑफ ई आई, एरर दिख रहा है ई, तो वो रिप्रेजेंट करता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क तो अपने को पता ही है, मार्कोविच ने अपने को अच्छी तरह से बताया ही है कि भाई क्या होता है टोटल रिस्क। सो दैट इज द वैरियंस ऑफ द सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो, एंड सिस्टमैटिक रिस्क इज बेसिकली योर volatility of beta with that of the market। तो यहाँ पे अपने को शार्पे इंडेक्स मॉडल, शार्पे इंडेक्स मॉडल क्या बोलता है पता है क्या? शार्पे इंडेक्स मॉडल अपने को बहुत प्यार से बताता है कि सुनो, ये जो टोटल रिस्क है, ये टोटल रिस्क को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो उसने पहले से ही बोला था क्या, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। बट अब तक अपना फोकस किसके ऊपर था? पूरा का पूरा सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर था। अनसिस्टमैटिक रिस्क को थोड़ा यार कॉम्प्लेक्स फील हुआ, तो चलो आओ शॉर्ट पे इंडेक्स मॉडल बन गया जो अनसिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर भी ध्यान देता है। टोटल रिस्क क्या है? इट इज द वैरियंस ऑफ अ सिक्योरिटी, या अगर पोर्टफोलियो हुआ तो पोर्टफोलियो। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? कनेक्शन ऑफ बीटा विद दैट ऑफ द मार्केट, बराबर है। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या बनेगा? दिस विल बी अ रेसिडुअल एरर, दिस विल बी अ रेसिडुअल एरर, एंड इट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ई आई स्क्वायर, विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रेसिडुअल एरर, वैरियंस ऑफ रेसिडुअल एरर। आर वी क्लियर? तो अब ये जब इंडिविजुअल सिक्योरिटी देंगे ना वो लोग, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये जो भी मैं इधर बना रहा हूं, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी का ये वो वैरियंस देगा आपको, सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करने के लिए देगा बीटा, और मार्केट का वैरियंस आपको कैलकुलेट करना है एज अ बैलेंसिंग फिगर, क्या अनसिस्टमैटिक रिस्क विच विल बी ई आई स्क्वायर। यस सर, समझ में आ गया। बट ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी का हुआ, ऐसे ही टोटल रिस्क आएगा सर किसका? पोर्टफोलियो का। तो अगर बीच में पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क आता है,
अगर बीच में पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क आता है तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेम रहेगा, बट यहाँ पे इट विल बी पोर्टफोलियो का जो रिस्क है, वराइंस है, सो वराइंस ऑफ पोर्टफोलियो, एंड अगेन ये डिवाइड हो जाएगा आपके सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क में, एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क में। सिस्टमैटिक रिस्क अभी क्या बोलेगा, बीटा, बट किसका, पोर्टफोलियो का, फिर मार्केट तो वही मार्केट ही रहने वाला है, बट यहाँ पे इट विल बी बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या बोलेगा कि बॉस अब एक पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो का वेट वही करते हैं ना अपन लोग, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ एरर, यहाँ पे जो दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ एरर जो अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ बी जो अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, और अगर उससे ज्यादा हुए तो एज द केस मे बी। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो इधर, तो अगर मेरे को इंडिविजुअल लेवल पे देखना है, ध्यान से देखना पब्लिक, इंडिविजुअल लेवल पे अगर मेरे को देखना है तो मैं बोलता हूं दैट टोटल रिस्क इज इक्वल टू टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा ऐसे, बराबर है, कैसे, वराइंस ऑफ सिक्योरिटी माइनस बीटा ऑफ सिक्योरिटी स्क्वायर इनटू वराइंस ऑफ मार्केट। बट अगर पोर्टफोलियो लेवल पे हुआ तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर इनटू मार्केट स्क्वायर प्लस वेट ऑफ ए अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए जो क्वेश्चन में दिया होगा प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इनटू अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ बी जो क्वेश्चन में दिया होगा, एंड ये करते करते आपका टोटल हो जाएगा। इन क्वेश्चन इफ अनसिस्टमैटिक रिस्क इज नॉट गिवन then it will be calculated as a balancing figure. Unsystematic risk will be kya? Variance of portfolio minus beta of portfolio into variance of market. Got it everybody? So ye bahut hi important concept hai jo usually ye wala cheez hai na, main mazak nahi kar raha hu, public option mein chhod deta hai, pata nahi kyun, but I hope आप लोग को यहाँ पे सिस्टमैटिकली चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, बेसिकली आपको ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करना है एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। इसको बोलते हैं शार्पे इंडेक्स मॉडल इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट बैलेंसिंग फिगर अनसिस्टमैटिक रिस्क ही होगा, और पोर्टफोलियो लेवल पे जहाँ पे वो लोग वेट्स देंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क का, अनसिस्टमैटिक रिस्क देंगे, सिस्टमैटिक रिस्क देंगे, आपको एड करके पोर्टफोलियो लेवल पे टोटल रिस्क कैलकुलेट करके दिखाना है। एक लास्ट फॉर्मूला इसी के कनेक्शन में, समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, खाली एक समय उसमें यूज आता है, तो इसमें आपको अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन समझो कैलकुलेट करना हुआ तो इट इज सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइड बाय टोटल रिस्क। सो एक होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, चलो इधर ही बता देता हूं आपको, एक होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज रिप्रेजेंटेड एज R, दूसरा होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन विच इज रिप्रेजेंटेड एज R स्क्वायर। ठीक है, R का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस AB अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन A स्टैंडर्ड डिविएशन B। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर इज इक्वल टू, इट विल बी रिटन एज सिस्टम है टोटल रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क अपॉन टोटल रिस्क। तो यहाँ पे अपन लोग लिख लेंगे बॉस सिस्टमैटिक रिस्क अपॉन टोटल रिस्क। आई एम जी गुडू एवरीबॉडी। तो क्वेश्चन है ना, आपको क्या करेगा पता है क्या, क्वेश्चन आपको देगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को कोई भी फॉर्मूला में आज तक मैंने तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर को यूज किया ही नहीं है, सो व्हाट विल आई डू ऑफ आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर को लेके मुझे पता है कि आर स्क्वायर को अगर मैं रूट पे डालता हूं तो मेरे को आर मिल जाएगा। अगर मेरे को आर मिल गया तो कैन आई से इट विल बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्या मेरे को कोरिलेशन कोएफिशिएंट काम में आता है? यस, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ गिविंग कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ध्यान रखना, अगर उसने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन दिया इट विल रिप्रेजेंट आर स्क्वायर। अपने को उससे जाना कहीं दूर नहीं है, अपने को जाना है उससे r के पास, विच विल बी नथिंग बट रूट ऑफ r स्क्वायर। इफ यू वांट वी कैन आल्सो राइट इट हियर, आई थिंक इट्स प्रीटी मच लॉजिकल। सो ये r स्क्वायर अपने को करना है, जिससे अपने को कोरिलेशन
कोएफिशिएंट मिल जाएगा विच विल बी रिप्रेजेंटेड एज आर. समझ गए एवरीबॉडी? चलो डन. सो दैट्स हाउ दिस होल थिंग वर्क्स. अब अपन लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज प्राइसिंग थियोरी. आर्बिट्राज प्राइसिंग थियोरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी फैक्टर मॉडल. अब शार्पे ने बीटा का जो मॉडल है वो निकाला, तो बाकी और जो इकोनॉमिस्ट थे वो लोग ने बोला कि यार ऐसा क्यों, मार्केट खाली बीटा के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट है. मार्केट तो डिपेंडेंट है ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि जो कंपनी का कंट्री का जीडीपी होता है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. तो जीडीपी का जब नंबर्स आता है तो आपका जो शेयर है वो कैसे रिएक्ट करता है, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर. इन्फ्लेशन के ऊपर भी तो डिपेंडेंट है अपना जो शेयर है, तो इन्फ्लेशन का नंबर आता है तब अपना शेयर कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. बस इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर मॉडल कॉल्ड एज आर्बिट्राज प्राइसिंग थियोरी. जो बोलता है कि आपको रिस्क फ्री रिटर्न तो लाना ही है कोई भी इन्वेस्टर के लिए, वो तो गिवन है. प्लस जो आपके बीटा है ना वो खाली एक बीटा मार्केट से कनेक्टेड मत रखो, उसके अलावा देयर शुड बी मल्टीपल बीटास या मल्टी फैक्टर मॉडल्स. दिस मल्टी फैक्टर कुड बी इन्फ्लेशन, दिस मल्टी फैक्टर कुड बी रिलेटेड टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ से इन्फ्लेशन इन टू इन्फ्लेशन डिफरेंशियल. ये इन्फ्लेशन डिफरेंशियल क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम आरपी. देखो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा आरपी, अभी ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है ये आरपी. अब मेरे को बताओ मार्केट वॉलेटिलिटी कब दिखाता है? अगर मार्केट में जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा हुआ तब मार्केट वॉलेटिलिटी बोले बिहेव करेगा, या जो अनएक्सपेक्टेड था वैसा हुआ तब मार्केट वॉलेटिलिटी बिहेव करेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट मार्केट विल बिहेव वॉलेटिलिटी ओनली व्हेन द मार्केट डज नॉट गो एज पर द एक्सपेक्टेशन. अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा इस साल का जीडीपी आने वाला है, ग्रोथ आने वाला है 6% और जीडीपी एक्चुअली ग्रो हुआ है 6% से, तो मार्केट रिएक्ट ही नहीं करेगा. मार्केट बोलेगा क्या रिएक्ट करूं, ये तो जो सोचा था वही हुआ, सबको पता है. बट अगर आपने सोचा था इन्फ्लेशन आपकी कंट्री का ये बार नंबर्स आने वाला है 6% और इन्फ्लेशन एक्चुअल में आया 10%, अरे पूरा का पूरा मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं गया है. तो ये जो 4% का गैप है ना, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज रिस्क प्रीमियम. दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज रिस्क प्रीमियम. तो अपना से फॉर एग्जाम्पल 4% का रिस्क प्रीमियम आया, अब इस चेंज की वजह से अपना शेयर कैसे रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं बीटा ऑफ इन्फ्लेशन. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो डिफरेंशियल है से 2%, इसके चेंज की वजह से मेरा शेयर कैसे रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं बीटा ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. एंड दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स बीटा 1 इनटू रिस्क प्रीमियम, डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम मैं तो बोलूंगा, प्लस बीटा 2. मैंने जो दूसरा फैक्टर है उसको सबको बीटा ही डाल दिया, बीटा ही बोल दिया, मल्टीपल बीटा करके मैं इसको नाम देता हूं. सो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी यही बोलता है कि भाई मल्टीपल बीटास आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, कुछ में पॉजिटिव होगा कुछ में नेगेटिव होगा, एंड दैट्स हाउ द डिसीजन विल बी टेकन. दैट्स हाउ द डिसीजन विल बी टेकन. सो आपको देखना है कि भाई एक्चुअल कितना इन्फ्लेशन आया है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन. आप बोल रहे हो सर 10% आया है, एक्सपेक्टेशन था 6% का, तो 4% प्लस उतना और ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा. एंड कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है. आपने सोचा कि 6% आएगा बट एक्चुअली खाली 3% आया है, तो ये जो नेगेटिव 3% है उससे मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो कम भी हो जाएगा. बट अगर मैंने सोचा कि यार 6% की जगह 10% इन्फ्लेशन आया है, तो अगर 10% इन्फ्लेशन है तो मेरे को तो मार्केट से ज्यादा रिटर्न चाहिए रहेगा. अब सीधी सी बात है, तो ही मैं मेरे इन्फ्लेशन को कवर कर पाऊंगा. तो इट विल एड ऑन, इट विल मल्टीप्लाई, तो ये इन्फ्लेशन इसको मल्टीप्लाई कर देगा बीटा को, एंड इट विल गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. जो रिक्वायर्ड रिटर्न है उस हिसाब से बढ़ जाएगा. वैसे ही यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया, भाई मेरे को लग रहा था 6% 3% ही आया इन्फ्लेशन, तो ऑब्वियसली इट इज इन नेगेटिव, तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न भी कम हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव. सो रिस्क फ्री में एड होना है लेस होना है अलग अलग फैक्टर्स को, दैट विल बेसिकली बी रिप्रेजेंटेड बाय एपीटी. तो अगर मेरे को यहाँ पे आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी मॉडल बताना है, हेलो, अगर मेरे को यहाँ पे आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी के बारे में बोलना है, तो मैं बोलूंगा बॉस रिस्क फ्री रिटर्न तो है ही, प्लस मेरे पास यहाँ पे मल्टी फैक्टर्स है, तो ये मल्टी फैक्टर्स में मैं तो बोलता हूँ मल्टी बीटास यहाँ पे इन्वॉल्व है, मल्टी बीटास यहाँ पे इन्वॉल्व है. तो रिस्क फ्री प्लस बीटा 1 से बीटा ऑफ जीडीपी ले लो, तो
बीटा ऑफ जीडीपी इनटू रिस्क प्रीमियम ऑफ जीडीपी प्लस बीटा ऑफ इन्फ्लेशन इनटू रिस्क प्रीमियम ऑफ इन्फ्लेशन प्लस ऐसे करते करते अपने को मिल जाएगा टोटल आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल के हिसाब से एक रिक्वायर्ड रिटर्न, या जिसको मैं बोलूंगा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल। ए समझ गुरु एवरीबॉडी? यस सर समझ में आ गई बातें। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। कि भाई ओवरऑल मेरा जो पोर्टफोलियो है, यूजुअली म्यूचुअल फंड कंपनीज इसको ज्यादा यूज करती, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए तीन मॉडल बताए। एक है शार्पे, दूसरा है ट्रेनॉर, तीसरा है जेंसेंस अल्फा। शार्पे मॉडल बोलता है, शार्पे रेशियो बोलता है दैट ओके कितना आपका पोर्टफोलियो आया है, आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है एंड कितना रिस्क फ्री रिटर्न आया है। वॉट एवर इज द एक्सेस इज अ पॉजिटिव थिंग। तो मार्केट में रिस्क फ्री चल रहा है 7, तो 7% तो अपने पोर्टफोलियो को रिटर्न लाना ही है। 7 के ऊपर कितना आया है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आया 9%, तो 7 के ऊपर और 2% एक्स्ट्रा है तो अपन बोलेंगे 2% एक्स्ट्रा। ओ कंपैरिजन करना पड़ेगा किसके साथ, विद द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, जिसको अपन बोलेंगे रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो से फॉर एग्जांपल रिस्क है 1.5, सो 2 डिवाइड बाय 1.5 वी विल से 1.33 इसका शार्पे रेशियो है। इन द सेम वे ट्रेनोर भी ऑलमोस्ट सेम चीज ही बोलता है, शाना ट्रेनोर भी सेम चीज ही बोलता है कि मार्केट का रिस्क फ्री है, उससे एक्स्ट्रा तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना लेकर आया, उससे एक्स्ट्रा तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना लेकर आया। तो से फॉर एग्जाम्पल मार्केट का पोर्टफोलियो का रिटर्न आया है 8% एंड रिस्क फ्री रिटर्न है अपना 5, तो 3% अपन लोग ने अपना जो पोर्टफोलियो है वो 3% एक्स्ट्रा रिटर्न लाया अपॉन। अब इसमें खाली सिस्टमैटिक रिस्क लिया है, बिकॉज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक रिस्क लिया है, तो सिस्टमैटिक रिस्क कैसे 2, सो 3 डिवाइड बाय 2 तो इसके हिसाब से आ जाएगा 1.5। आर वी अंडरस्टैंडिंग? एंड लास्ट है जेंसेंस अल्फा, सबसे इजी। एक्चुअल रिटर्न जो एक्चुअली मार्केट में आया माइनस मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था, अगर पॉजिटिव है तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई मेरा एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न जो सीएपीएम के हिसाब से था उससे ज्यादा आया है। तो अगर मेरे को यहाँ पे परफॉर्मेंस रेशियो लिखना है, हेलो एवरीबॉडी, अगर मेरे को यहाँ पे परफॉर्मेंस रेशियोज लिखना है देन इन दैट केस मैं परफॉर्मेंस रेशियोज को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है मेरा शार्पे के हिसाब से जो आया है, एंड शार्पे बोलता है बॉस मार्केट में तेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आया है माइनस द रिस्क फ्री अपॉन टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। फिर बाद में है मेरा ट्रेनोर, ट्रेनोर क्या बोलता है कि भाई कितना रिटर्न आया है, एंड सामने मेरा सिस्टमैटिक रिस्क कितना है पोर्टफोलियो का, एंड लास्ट है मेरा जेंसेंस अल्फा, लास्ट है मेरा जेंसेंस अल्फा। सो ये इधर मैं लिख देता हूं जेंसेंस अल्फा। जेंसेंस अल्फा बोलता है कि बॉस यहाँ पे आपका एक्चुअल रिटर्न कितना आया एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर पॉजिटिव आया है तो वेरी गुड। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट आर एफ प्लस बीटा इनटू आर एफ माइनस आर एफ, एंड इसी के साथ मेरा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी कंप्लीट होता है। अब अपन लोग आ जाते हैं मार्केट लाइंस के ऊपर, तो ये यूजुअली एक चैलेंजिंग चीज होता है स्टूडेंट लोग के लिए, तो इसके लिए आप इसको प्लीज ध्यान से सुनना एंड लेट्स गेट इट डन अंडरस्टेंड एज वेल। देखो दो तरह के मार्केट लाइंस होती है, एक है कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन, दूसरा है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इफ इट इज अ लाइन इट का मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ इक्वेशन, मैथमेटिकली इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ इक्वेशन। तो से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन, तो कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन एक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन, तो बॉस ये एक इक्वेशन है। तो क्या है ये इक्वेशन, तो उसका फॉर्मूला है आर एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू आर एम। मैं भी आप लोग को एक सम करवाऊंगा जिसमें सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन आपका दोनों भी हो जाएगा। आर एस क्या है पता है क्या, आर एस इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एज गिवन बाय द मार्केट पोर्टफोलियो थियोरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी। तो उसमें मालूम है एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते थे, जो अपना फर्स्ट फॉर्मूला था वो है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एज पर एमपीटी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जो अपन लोग कैसे निकालते थे,
यस याद करो, बस ये वैसे ही अपने को निकालना है, एंड दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। तो जितने भी अपने रिटर्न्स है इनटू प्रोबेबिलिटी कर लिया, उसका समेशन कर लिया, एक्स बार मिल गया, दैट इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू आरएम। बीटा क्या है अपने को पता है, अल्फा इज लाइक योर रिस्क फ्री रिटर्न जैसा, एंड आरएम क्या है, आरएम है आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम। आरएम इज लाइक योर मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ये आरएम क्या रिप्रेजेंट करता है, यूजुअली इट रिप्रेजेंट्स द आरएम माइनस मार्केट रिस्क प्रीमियम ही इसको अपन लोग फिलहाल के लिए रखते हैं, सो दैट मेक इट इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज योर मार्केट रिटर्न, सॉरी मार्केट रिस्क प्रीमियम लिख दिया मैंने, मार्केट रिटर्न आ गया, मार्केट रिटर्न। समझ में आया क्या पब्लिक एवरीबॉडी? तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन। और दूसरा है मेरा सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कुछ नहीं बट आपका सीएपीएम है यार। तो सीएपीएम को जब अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, भाई डिवीजन सेशन है, ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट तो नहीं कर पाऊंगा बट एटलीस्ट अपना उसको फॉर्मूला तो अपने को आता है। तो उसमें सिक्योरिटी मार्केट लाइन में बेटा रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इनटू आरएम माइनस आरएफ, दिस इज योर मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ये तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन तो बहुत ही सिंपल है, ये तो अपने को बेसिकली आता ही आता है। कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन थोड़ा अपने को हैवी पड़ता है, उसके लिए एक सम है, वो मैं अभी आपको करवा दूंगा, काम आपका एकदम इजी हो जाएगा। बट याद रखना कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन में इट स्टार्ट्स विद मार्केट पोर्टफोलियो थ्योरी का, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू आरएम व्हिच इज योर मार्केट रिटर्न। ऑलराइट गाइस, चलो आ जाओ अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ टू स्टॉक्स फॉर अ पार्टिकुलर स्टॉक मार्केट रिटर्न इज गिवन। तो देखो मार्केट रिटर्न दिया है 7%, अग्रेसिव है मेरा स्टॉक 4%, डिफेंसिव स्टॉक है 9%। जब मार्केट जाता है 25% तो अग्रेसिव हो जाता है 40%, डिफेंसिव हो जाता है 80%। तो कैन आई से यहाँ पे जब मार्केट 7% का रिटर्न दे रहा है तो तुम्हारा अग्रेसिव 4 दे रहा है, डिफेंसिव 9 दे रहा है। जब मेरा मार्केट 25% पे आ गया तो तुम्हारा अग्रेसिव 40 पे आ गया, डिफेंसिव 18 पे आ गया। मतलब कैन आई से यहाँ से मेरे को उसका वोलेटिलिटी पता चलता है। बस फर्स्ट पार्ट में वही चाहिए, कैलकुलेट द बीटा ऑफ द टू स्टॉक्स। कैसे कैलकुलेट करोगे, कैन आई से चेंज इन द सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन द मार्केट रिटर्न, जो फर्स्ट बीटा का फॉर्मूला है वो भी यूज हो गया अभी अपना, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न। पहले का है 40 - 4 / 25/7 आपको मिलेगा इधर 2, 18 - 9 / 25 - 7 ये मिलेगा आपको 0.5। सो इधर आपको ए और डी, हेलो अग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों का आपको यहाँ पे बीटा मिल जाता है, बीटा 2 एंड बीटा 0.5। आ जाते हैं अपन लोग सेकंड के ऊपर, विच इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक इफ द मार्केट रिटर्न इज, क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला, एंड दैट इज इक्वली। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, अभी आपको बताया। एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। अब तक अपने को प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं दिया है बट वर्ड इक्वली यूज करके प्रोबेबिलिटी दे दिया है 0.5 0.5। तो यहाँ पे ए के लिए 4 × 0.5 प्लस 20 × 0.5 टोटल निकाल दिया मैंने यहाँ पे, एंड दैट वर्क्स आउट टू प्रोबेबली 22%। ये मेरा इधर 40 है भाई, तो 40 × 0.5 एंड 4 × 0.5 तो 2 + 20 = 22%, एंड 9 × 0.5 18 × 0.5 13.5 का प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया मेरा। कैन आई से सेकंड पार्ट आल्सो डन एकदम स्मूथली। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। सिक्योरिटी मार्केट लाइन अब अपने को कैलकुलेट करना है थर्ड पार्ट पे। कैलकुलेट द सिक्योरिटी मार्केट लाइन इफ 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 द रिस्क फ्री रेट 7.5% एंड मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे को फॉर्मूला क्या है, आरएफ प्लस बीटा इनटू आरएम माइनस आरएफ। क्या मेरे पास आरएफ है, आरएफ मेरे को एकदम क्लियरली दे दिया है 7.5%, टेंशन ही नहीं है मेरे को उस चीज का, डन। क्या मेरे पास बीटा है, तो बीटा तो बाय डिफॉल्ट मैंने फर्स्ट वाले में कैलकुलेट कर लिया था, और यहाँ पे ना मेरे को सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैलकुलेट करना है। कभी भी आपको सिक्योरिटी मार्केट लाइन या कोई भी लाइन कैलकुलेट करना होता है ना, आपको उसका एक इक्वेशन बना के देना होता है।
आपको उसका एक इक्वेशन बना के देना होता है। सो यहाँ पे मेरे पास आर एफ है, कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे को खाली कैलकुलेट करना है मेरा आर एम माइनस आर एफ। आर एम क्या होता है? मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न अभी मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बट दो दिया हुआ है, एक 7% भी दिया हुआ है, एक 2.25% भी दिया हुआ है। और अपने को बोला है इफ मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%, तो मैं बोलूंगा 7 × 0.5, मैं बोलूंगा 25 × 0.5, ये सब मिला के बेटा कितना हो जाएगा? ये सब मिला के हो जाएगा 16%। सो आर एम मेरा हो जाता है 16%। आर एम 16 माइनस आर एफ 7.5, तो ये मेरा कितना हो जाता है? 16 माइनस 7.5, तो ये 8.5 इंटू बीटा प्लस रिस्क फ्री। रिस्क फ्री मेरा कितना है? 7.5 है, तो 7.5 प्लस 8.5 इंटू बीटा इज गोइंग टू बी माई सिक्योरिटी मार्केट लाइन, इज गोइंग टू बी माई सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब जिसका जो बीटा है, ए का जो बीटा है ए का सब्स्टिट्यूट कर दो, बी का जो बीटा है वो डी का जो बीटा है वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आ जाएगा। पर 7.5 गिवन था, 8.5 मैंने कैलकुलेट किया, बीटा मेरा ऊपर दोनों से अवेलेबल है, आई कैन यूज दैट एंड कैलकुलेट द सिक्योरिटी मार्केट लाइन के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न। अभी क्लियर? अब आ जाते हैं अपन लोग कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन के ऊपर, बिकॉज इसमें लास्ट पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द अल्फा ऑफ द टू स्टॉक्स। अल्फा का भी आपको फॉर्मूला मैंने समझाया था, क्या रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, क्या मैंने ए का रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी निकाला है? यस इट इज 22। क्या मैंने डी का रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी निकाला है? द आंसर इज यस इट इज 13.5। तो कहना इसे मेरे पास रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी है इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न मैंने अभी निकाल दिया 16% का, 16% का बीटा ऊपर मैं निकाल के बैठा हूं 2 और 0.5, मेरे को मिल जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर एंड दैट इज अल्फा फर्स्ट केस में -10 एंड सेकेंड केस में 5.5। हे समझ गुडू एवरीबॉडी। बस तो यही अपने को इसी के साथ कैलकुलेट करना था कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड एक मॉड्यूल का ही ये क्वेश्चन है। सो आप लोग देख सकते हो ऐसे है मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंदास ये वाला क्वेश्चन, तो वापस एक बार सुन लो अभी जो भी मैंने बताया एंड यू विल बी एबल टू डू इट। मार्केट रिटर्न के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे तुम लोग के लिए बना के रखा है। मार्केट रिटर्न इज वेट ऑफ ए इंटू मार्केट रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू मार्केट रिटर्न ऑफ बी। यहाँ पे वेट था इक्वल, तो अपन लोग ने 0.5 0.5 लिया। मार्केट रिटर्न ऑफ ए एंड मार्केट रिटर्न ऑफ बी 7 और 25% दिया हुआ है, सो वी यूज 7 और 25 एंड वी गॉट द फाइनल आंसर। गॉट इट एवरीबॉडी? सो इसी के साथ मेरा कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, उससे सिक्योरिटी मार्केट लाइन का इक्वेशन बनाना, कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन से अल्फा कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें हो चुकी है। याद रखना ये अल्फा कैलकुलेट करने में फॉर्मूला मेरे पास था, आर एस मैंने ऑलरेडी ऊपर सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था, रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ सिक्योरिटी विच इज एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर एमपीटी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, गॉट इट गाइस? प्लस अल्फा प्लस बीटा इनटू आरएम। बीटा अपन लोग ने ऊपर कैलकुलेट किया, आरएम कैलकुलेट किया, अल्फा इज नथिंग बट अ बैलेंसिंग फिगर। इसी के साथ सीएमएल और एसएमएल कंप्लीट होता है और अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज टू मैनेज द बीटा, टू मैनेज द बीटा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, पता है क्या? बहुत सारे बार इन्वेस्टर्स होते हैं जो हाई रिस्क पोर्टफोलियो बना देते हैं और फिर बाद में लगता है अरे यार संकल भाई बहुत हाई रिस्क की पोर्टफोलियो हो गया है, मेरे को थोड़ा रिस्क कम करने का है इस पोर्टफोलियो का। मतलब बेसिकली वो मेरे को आके बोलता है कि बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई, मेरे को कम करना है। और कुछ कुछ आते हैं जो बोलते हैं यार क्या है यार कितना कम रिस्की पोर्टफोलियो बनाया, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न या लॉस भी है, उतना ही कम रिस्क तो कम लॉस भी है। तो यहाँ पे किसी को कम रिटर्न आ रहा है तो वो बोलते हैं कि यार नहीं मेरे को बीटा या वोलेटिलिटी मेरे पोर्टफोलियो का बढ़ाना है। तो देयर कुड बी सिचुएशन जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो के बीटा को इंक्रीज भी कर सकते हो और कुछ सिचुएशन में डिक्रीज भी कर सकते हो, एंड उसको यूज करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज टू मैनेज बीटा, टू मैनेज बीटा। सो उसके लिए देखो, अब मेरे पास जो क्लाइंट आया, पहला क्लाइंट, वो बोला कि भाई मेरा पोर्टफोलियो बीटा है 1.108, मेरे को मेरा पोर्टफोलियो बीटा कम करना है 2.08।
तो अब वो डर रहा है, उसको लग रहा है मेरा पोर्टफोलियो बीटा बहुत ज्यादा है, मेरे को कम करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी। भाई मार्केट का सिक्योरिटीज हाई रिस्क, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज थोड़ा उसके एवरेज बीटा को वो तोड़ेगा, एवरेज बीटा को वो तोड़ेगा। तो अब ये सिचुएशन में क्या करते हैं अपन लोग, पता है क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एक ही फॉर्मूला, इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो फॉर्मूला विल ऑलवेज बी सेम, एंड दैट बेसिकली इज कैलक्यूलेट टारगेट बीटा। हेलो, कैलक्यूलेट टारगेट बीटा इज इक्वल टू जो आपका करंट पोर्टफोलियो है उसका बीटा इनटू वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो प्लस प्लस, अपने को अब रिस्क फ्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका बीटा इनटू वेट कितना डालना चाहिए रिस्क फ्री में, दैट बेसिकली लेडीज एंड जेंटलमैन विल गिव अस समथिंग कॉल्ड एज टारगेट बीटा, दैट लेडीज एंड जेंटलमैन विल गिव अस समथिंग कॉल्ड एज बीटा, इट विल गिव अस द टारगेट बीटा। ए समझ गुड एवरीबॉडी? यस सर, समझ में आ गई बातें। सो ये होता है मेरा कैलकुलेशन ऑफ टारगेट बीटा एंड दिस इज हाउ वी डू इट। सो वेट करेंगे करंट पोर्टफोलियो का जो है उसका बीटा प्लस वेट ऑफ जो अब मेरे को एक्सपेक्टेशन है एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अब सुनो, यहाँ पे मेरा ये एग्जाम्पल चल रहा है, उस एग्जाम्पल में देखो क्या बोला है कि मेरा करंट पोर्टफोलियो बीटा है 1.108 जो मेरे को चाहिए रिड्यूस करना है 0.8, तो मैं क्या करूंगा, मेरा अब टारगेट बीटा मेरे को 0.8 पे लेकर आना है, करंट पोर्टफोलियो बीटा है 1.108, कितना उसका वेट है वो मेरे को नहीं पता, तो वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो अपने को नहीं पता है, तो ये एक चीज हो गई अपना। प्लस अब रिस्क फ्री में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका मेरे को बीटा चाहिए, तो बीटा ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, बॉस रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का कभी भी बीटा जीरो ही होता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को क्या मार्केट से कोई लेना देना है, नहीं, तो उसका बीटा हमेशा जीरो होगा, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ रिस्क फ्री। अब ये देखो सुनो, मेरे पास जो वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो है प्लस वेट ऑफ रिस्क फ्री दोनों मिला के वन ही होने वाला है, बराबर है। अब देयर फॉर मैं बोल दूंगा वेट ऑफ रिस्क फ्री इज इक्वल टू वन माइनस, रादर मैं बोल दूंगा हाँ, वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो ऐसे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू वन माइनस वेट ऑफ रिस्क फ्री, कोई टेंशन नहीं, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वेट ऑफ रिस्क फ्री इज इक्वल टू वन माइनस वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो। अब सुनो क्या होने वाला है, ये तो मेरा जीरो हो गया, क्या बीटा ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो गया, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ रिस्क फ्री ये अब टोटली जीरो हो जाएगा, जो भी इसका वेट हो ये मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो, तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या पता है क्या, बचेगा मेरा 0.8 इज इक्वल टू 1.108 इंटू वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो। अब बैलेंसिंग फिगर मेरा वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे देयर फॉर वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, समझ रहे हैं आप लोग, वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाय 1.108 एंड इट इज 0.8 डिवाइड बाय 1.108 एंड इट विल बिकम 72.20%। अगर वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो 72.2 है तो वेट ऑफ रिस्क फ्री हो जाएगा, सीधी सी बात है, -100, 27.8, एवरीबॉडी कितना आ जाएगा 27.8%, तो 72.2 प्लस 27.8 एंड ये हो गया 100। तो अब सुनो, मेरा वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो है 72.2 और वो कितना मेरा इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है, तो वो मेरे को इधर क्वेश्चन में दे दिया है, अगर आप लोग ने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो ये देखो इधर क्वेश्चन में दे दिया है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इनटू मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, मेरे को मिल जाएगा टोटल वैल्यू, मेरे को मिल जाएगा टोटल वैल्यू। सो मेरे को यहाँ पे पता चल गया है कि भाई मेरा 72.7 रिप्रेजेंट करता है मेरा टोटल मार्केट वैल्यू, विच ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इट विच रिप्रेजेंट्स 12 लाख, विच रिप्रेजेंट्स 12 लाख, तो बचा हुआ
100%, कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16,62,050। इससे आपको पता चल गया 4,62,050 आपको इन्वेस्ट करना है रिस्क फ्री में, रिस्क फ्री में, रिस्क फ्री में। हे गाइस, समझ गुडू एवरीबॉडी, समझे क्या कि ओवरहेड्स, समझे? कभी भी एक ही फॉर्मूला बस पे लेके चलने का, क्या टोटल टारगेट बीटा इज इक्वल टू, क्या मेरे को क्या टारगेट बीटा चाहिए? जो करंट बीटा है वो, जो करंट पोर्टफोलियो का बीटा है वो, उसका वेट प्लस अब रिस्क फ्री लेकर आऊंगा तो उसका वेट मिला के मेरा टारगेट बीटा बस मीट होना चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, रिस्क फ्री का बीटा तो जीरो ही होना है, तो वो वाला पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा। जो बच गया उसमें से वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। एक बार वो आ गया, वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग फिगर जो वेट आ गया उसके ऊपर इक्वेट कर दो, यू विल गेट द बैलेंसिंग। अब ये था डिक्रीज करना हो अपने को बीटा, तो हो सकता है इंक्रीज भी करना हो। यस सर, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब मेरे को बीटा 1.108 से 1.2 पे लेके जाना है, तो अगेन वेट ऑफ करंट बीटा इनटू 1.108, ये मेरा आ जाता है 0.83। तो करंट बीटा वो लोग बोलता है 0.1, ये हाँ ये रिप्रेजेंट मेरा कर रहा है 1.1083। तो ये बेसिकली मेरा 100 से भी ज्यादा हो गया। ये क्या हो गया पता है क्या? दिस हैज बिकम लाइक, इधर ऐसे लिख दो 108.3%। बस अपने को 108.3% नहीं चाहिए, अपने को तो 100 चाहिए। तो अपन बोलेंगे 108.3% रिप्रेजेंट अगर 12 लाख कर रहा है करंट इन्वेस्टमेंट, तो 100 कितना हुआ? 100 हुआ 11,08,033। मतलब जो डिफरेंशियल है ना, उतना अपने को रिस्क फ्री के हिसाब से बोरो करना पड़ेगा टू बी बोरोड एट रिस्क फ्री रेट विच इज 91,967। समझ में आया? गेम किसका है बेटा? गेम है पूरा एक ही फॉर्मूला का, टारगेट बीटा इज इक्वल टू करंट पोर्टफोलियो बीटा इनटू वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो प्लस रेट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इनटू वेट ऑफ रिस्क फ्री। अच्छा एवरीबॉडी, यस सर। सो यहाँ पे अपन लोग ने पूरा इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व कर लिया। डिक्रीज बीटा भी आ गया अपने को, इंक्रीज बीटा भी आ गया अपने को, एंड दैट इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स फॉर अस, दैट इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स फॉर अस। गॉट इट? डन 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 डन। याद रखना यहाँ पे 100 के ऊपर आएगा जब आपको डिक्रीज कर इंक्रीज करना है ना बीटा, तो क्या हो जाएगा 108.3, करंट ही 108.3, मतलब ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 कितना? तो जो डिफरेंस आएगा उतना आपको बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो डिफरेंस आएगा पे शॉर्टेज पड़ रहा है। गॉट इट एवरीवन? डन। अब अपन लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रिविजन एंड रीबैलेंसिंग। इसमें भी तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड बोलता है बाय एंड होल्ड पॉलिसी, मतलब डू नथिंग। मतलब आपने अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, हेलो पब्लिक, अगर आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है तो वो लो, वो जो भी प्राइस पे लिया है आपने वो लेके भूल जाओ। डू नथिंग पॉलिसी नाम ही बोलता है क्या, डू नथिंग पॉलिसी। सो लेके आपको भूल जाने का कि भाई हाँ ठीक है, लिया था मैंने कुछ शेयर्स और अब मैं इसका कुछ भी नहीं करने वाला हूं, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारा शेयर्स पड़ा है। एंड मैं आपको बोलता हूँ मेजोरिटी दुनिया डू नथिंग पॉलिसी करती है, मतलब वो देख लेती है टाइम ही नहीं मिलता ना ऑफिस के हिसाब से। सो डू नथिंग पॉलिसी इसमें कुछ भी ग्रेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज कॉन्स्टेंट मिक्स पॉलिसी, या इसको सीआरबी कॉन्स्टेंट रेशियो पॉलिसी भी बोला जाता है। देखो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये बोलता है बहुत से कॉन्स्टेंट रेशियो मेंटेन करके चलो, तो मैं आपको यहाँ पे इसी को कनेक्ट भी कर देता हूं। तो यहां पे से फॉर एग्जांपल सीआरपी, जिसको अपन लोग बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो पॉलिसी, कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी भी बोलते हैं, तो वो बोलता है आपको कांस्टेंट रेशियो पॉलिसी, जिसको बोलते हैं सीआरपी। ये क्या बोलता है कि बॉस आपने अगर से फॉर एग्जांपल डिवाइड कर लिया कि हमको 1:1 रखना है, 50% हमको रखना है इक्विटी में और 50% हमको रखना है डेट में, तो बस आप इसको फॉलो करते चलो। यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया 50,000, 50,000 1 लाख रुपए से विद शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा पता है क्या, मैं इधर डाल दूंगा इन 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। जब मैंने स्टार्ट किया तब 100 रुपीज पर शेयर चल रहा है, जब मैंने स्टार्ट किया तब 100 रुपीज पर शेयर चल रहा है, तो मेरे पास कितने शेयर्स आ गए, तो 50,000 डिवाइड बाय 100 मेरे पास आ गए 500 शेयर्स। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये मेरा 100 रुपीज पे पहुंच गया 80 रुपीज पे, तो ये मेरा पहुंच गया 80 रुपीज पे, तो कहना इसे 500 शेयर्स है इंटू 80 पर शेयर, तो कहना इसे ये 40,000 रुपीज हो गया। यस सर, कहना इसे यहाँ पे 50,000 रुपीज तो है ही। यस सर, अब
क्या बोलता है, कांस्टेंट रेशियो होना चाहिए। तो रेशियो 1:1 है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो करो 1:1, तो कैसे करेंगे? तो अपन करेंगे एट 50 + 40 कितना हुआ सर? 90,000 हुआ। अच्छा 90,000 को दो पार्ट में डिवाइड करो, कितना दो पार्ट सर? एक 45,000, दूसरा 45,000। अब ध्यान से समझना, कहना इसे यहाँ पे 50,000 है आपका, यहाँ पे 40,000 है, बट आपको चाहिए 45,000 एंड आपको यहाँ पे चाहिए 45,000। तो आप क्या करोगे, एड कर दोगे यहाँ पे 5,000 रुपीज का इक्विटी एंड लेस कर दोगे यहाँ पे 5,000 रुपीज का डेट। 50,000 में से 5,000 का डेट हट गया, 45,000 डेट बचा। 40,000 में 5,000 रुपीज का इक्विटी ऐड हो गया, 45,000 का इक्विटी हो गया। 5,000 डिवाइड बाय 80, आज की तारीख में आप बाय करोगे तो आप बाय कर लोगे 62.5 इक्विटी शेयर। तो अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास हो गए 5,000, कितना 562.5 शेयर एट द रेट 80 एंड यहाँ पे 45,000 का डेट पड़ा है आपके पास। तो बेसिकली आपने फर्स्ट केस में क्या किया बेटा, फर्स्ट केस में क्या किया आपने, +5,000 इक्विटी का खरीदा, -5,000 आपने डेट का लिया। एंड दैट इज हाउ माय फर्स्ट सिस्टम वर्क्स, दैट इज हाउ माय फर्स्ट सिस्टम वर्क्स। ये देखो, बॉन्ड टू स्टॉक स्विचिंग, मतलब बॉन्ड बेच के स्टॉक खरीदा, कितने का? 5,000 रुपए का। अब फिर बाद में वापस ये हो गया से फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज, कैन आई से, अब आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, अब आप लोग समझ गए, होशियार हो गए। अब ये 60 रुपीज हो गया तो ये और कम हो जाएगा, तो 562.5 × 60 कर दो तो ये हो गया 31,590, ये हो गया 45,000। अपने को इक्वल पॉलिसी रखना है तो +45,000 किया तो ये सर आ गया 76,590। हेलो, ये आ गया 76,590 डिवाइड बाय 2, 1:1 का रेशियो रखना है तो डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया मेरा 38,295। हेलो, ये आ गया मेरा 38,295। अब मेरा अगेन ये 45,000 पे है तो कहना इसे मेरे को सेल करना पड़ेगा डेट, ये मेरा 31,590 पे है तो ये मेरे को बाय करना पड़ेगा इक्विटी शेयर। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स अप इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट रेशियो। ये तो प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होगा तो शेयर सेल करना पड़ेगा और डेट बाय करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे स्विच टू बॉन्ड, स्टॉक टू बॉन्ड स्विचिंग, एंड दैट कैन बी डन बाय ऑल। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज CPIP, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी आपको देखो बताया वो लोग ने एक फॉर्मूला के थ्रू कि आप मैक्सिमम शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है मल्टीपल पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू इनटू मल्टीप्लायर। ये आपको फॉर्मूला से पता चलेगा कि कितना आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, जेन जो बच गया वो आपको डेट में इन्वेस्ट करना है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि आपको CPIP के हिसाब से, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से शेयर्स में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो वो ये लोग ने दे दिया है सर। कितना दे दिया है शेयर्स में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो इट विल बी पोर्टफोलियो वैल्यू, इट विल ऑलवेज बी पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर। मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, पोर्टफोलियो वैल्यू गिवन होगा, फ्लोर वैल्यू गिवन होगा, मल्टीप्लायर गिवन होगा। तो सर इसको खाली अप्लाई करना है और फाइंड करना है कि इक्विटी शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। आओ मेरा पहला एग्जांपल, ये रहा 10 लाख का मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, तो इधर मैंने लिख लिया 10 लाख। मेरे को फ्लोर वैल्यू रखना है एट एनी कॉस्ट 7.5 लाख का मेरा फ्लोर वैल्यू होना ही चाहिए, इससे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इक्विटी। सो कैन आई से ये मेरा हो गया 2.5 लाख इनटू मल्टीप्लायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है चू, मल्टीप्लायर क्वेश्चन में दिया हुआ है चू, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू, ये आ जाता है ₹5 लाख, ये आ जाता है ₹5 लाख। तो शेयर्स में कितना डालना है? 5 लाख। तो अगर मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है 10 लाख का, तो उसमें से 5 लाख मैं डालूंगा इक्विटी में, बचा हुआ 5 लाख मैं डालूंगा डेट में। अब तो ये कहानी शुरू हुई, एक इक्विटी शेयर कितने का है वो मेरे को देख लेने का, कितने का है उस हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितने में इक्विटी, कितने का नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा। अब से फॉर एग्जाम्पल ये शेयर का वैल्यू बढ़ के हो गया 7.5 लाख, अरे वाह बधाई हो। सो यहाँ पे ये मेरा वैल्यू हो गया 7.5 लाख। अब मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू देखो कितना आ गया, 7.5 लाख प्लस 5 लाख का डेट, तो 12.5 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पोर्टफोलियो वैल्यू विच इज 12.5 लाख
माइनस फ्लोर वैल्यू 7.5 लाख इनटू मल्टीप्लायर विच इज टू 12.5 माइनस 7.5 5 लाख इनटू 2 कितना हो गया 10 लाख हो गया। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई 10 लाख जितना आप इक्विटी में डाल सकते हो, तो ऑलरेडी 7.5 लाख तो है ही, शेयर्स में आप 10 लाख डाल सकते हो ऑलरेडी 7.5 लाख तो है ही, तो प्लस 2.5 लाख का आप इक्विटी बाय करोगे एंड माइनस 2.5 लाख का डेट आप सेल करोगे, समझियो। इसको बोलते हैं सीपीआईपी पॉलिसी। वापस से एक बार सुन लो, क्लियर हो जाएगा। केस टू आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, जहां पे मैंने शेयर्स का वैल्यू कम कर दिया है, सेम लॉजिक सेम अप्लाई करना है, बस अब आपने शेयर्स खरीदा है वो केस में आपको शेयर सेल करना पड़ेगा, डेट खरीदना पड़ेगा, बट फॉर्मूला वही रहेगा आपका, पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर विल गिव अस के कितना शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, एंड दैट्स हाउ द होल सिचुएशन वर्क्स आउट। हे, समझ गुरु एवरीबॉडी, क्लियर। सो ये हो गया मेरा पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बोलता हूं फुल चांस है एमसीक्यू में आने का, तो इसके लिए प्लीज इसको बराबर से करके जाने का। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग लास्ट पेज ऑफ रिवीजन के ऊपर, विच इज द शार्पी ऑप्टिमाइजेशन पोर्टफोलियो। इस पे बहुत ज्यादा टाइम कोई मैं डाल के मतलब नहीं है, बिकॉज ये आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो, ना ये फॉर्मूला अभी डिराइव करने का टाइम है, ना ये समझाने का कोई अभी सेंस है, और इसका आने का चांसेस भी लेट्स बी फ्रैंक नहीं है, बहुत कम है, बट एक सम दिया हुआ है बुक में, तो इसके लिए अपने को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। एंड अब आ जाते हैं लास्ट चीज के ऊपर, विच इज 3 new formulas जो अपने को क्वेश्चन 14 या 17 अगर आईसीएम मॉड्यूल के आपको कभी करने हुए तो आप ये 3 formula यूज करेंगे। सबसे पहला है कोवेरियंस यूजिंग बीटा, तो अगर आपको कभी कोवेरियंस फाइंड करना है पर आपको कोवेरियंस के लिए सिक्योरिटी का एवरेज रिटर्न और वो सब टाइम पास नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, तो कोवेरियंस ऑफ ए बी विल बी बीटा ऑफ ए, हेलो, बीटा ऑफ ए इनटू बीटा ऑफ बी इनटू सिक्योरिटी मार्केट का जो मार्केट है उसका वेरियंस। फिर बाद में अगर कोवेरियंस ऑफ ए विद इटसेल्फ इज वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी, और दीजिए, एंड लास्ट है कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, आर ए बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज R of A with market multiplied by R of B with market. Again, दो questions है जहां पे ये दोनों formula use होता है and should be used very very carefully. So यहाँ पे मैं बोलूंगा कि boss मेरा covariance है A B का, मुझे find करना है पर मेरे पास X bar और वो A bar और वो सब नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं मेरे पास बीटा है, मैं बीटा को यूज करूंगा, सो बीटा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ बी इंटू बीटा ऑफ मार्केट, तो बीटा ऑफ मार्केट तो क्या ही लिखू, इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। तो यह हुआ मेरा कोवेरियंस ए बी, वैसे ही अगर मेरे को कोरिलेशन फाइंड आउट करना है ए बी का तो ये भी मैं फॉर्मूला के थ्रू कर सकता हूं, सो विच इज आर ऑफ ए विद मार्केट इनटू आर ऑफ बी विद मार्केट एंड लास्टली, बस हो गया, तो ये अपना आर ए बी हो जाएगा, आर ए बी मिल जाएगा, सो आर ऑफ ए ऑफ मार्केट आर बी ऑफ मार्केट, गॉट इट एवरीबॉडी। इसी के साथ होता है मेरा ये सेशन कंप्लीट, एंड जैसा आपको वादा किया था वैसा वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा चुका हूं। आई होप मजा आया होगा, प्लीज डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक दिस, एंड अब कौन सा चैप्टर चाहिए या एनीथिंग एल्स दैट यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉरवर्ड टू, एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क कोवेरियंस, पोर्टफोलियो रिस्क, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एफिशिएंट एमवीपी, सारी चीजें यार आप लोगों के साथ कवर कर ली, एंड ट्रस्ट मी एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा है मेरे को ये पढ़ाने में कि भाई चलो पोर्टफोलियो जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो गया होगा। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनका अभी अटेम्प्ट होगा एंड उनको चाहिए होगा, दिस विल रियली बी हेल्पफुल, ठीक है। डेफिनेटली जैसा मैंने बोला, कमेंट्स आर लाइक द मोटिवेशन विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरी पर्सन, आपको भी चाहिए हमारे को मिलता है विद योर लाइक्स एंड विद योर पॉजिटिव कमेंट्स, ठीक है। चलो एमसीक्यू के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहना, होते रहते हैं उधर, प्राइस देते रहते हैं, सो यू विल एंजॉय इट, साथ साथ में पढ़ाई भी आपकी हो जाएगी। एट द सेम टाइम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट के अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते रहो। आई डोंट नो तुम लोग ने ये कितने अटेम्प्ट्स में देखा, मतलब एक साथ पूरा, सपोज ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 hours का ये वीडियो है, तो क्या ये आपने पूरा 1.5 hours एक साथ देखा या आपने 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes तोड़ तोड़ के देखा,
बोलो सच्ची अच्छी बोलो, कैसे किया है बताओ कमेंट करके। अगर आपने एक साथ देखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना चालू कर चुके हो एंड देयर इज नाउ अ लॉन्ग वे टू गो। अगर आपने तोड़ तोड़ के देखा है कोई बात नहीं, और थोड़ा अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ और थोड़ा अपना फ्लो बढ़ाओ, डिसिप्लिन बढ़ाओ, दैट विल रियली बी हेल्पफुल। एट द सेम टाइम मैजिक बुक और जो अपना नोटबुक है साथ में लेके बैठा करो, आई होप समझ में आ जाता होगा। प्लस आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई आपको ये अगर चाहिए, जो मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज खुद से ऑलमोस्ट अपन लोग डिराइव करते गए, समझते गए, वो करते करते लिखे, ये भी अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है मेरे हैंड रिटन नोट्स, तो भी मैं इसको शेयर कर दूंगा विदाउट एनी डाउट व्हाटसो एवर। चलो ऑल इन ऑल अ गुड फ्रूटफुल सेशन, आई रियली एंजॉयड इट, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, मैं तो बाय डिफॉल्ट एंजॉय करता ही हूँ, एंड आई होप आप लोग ने भी उतना एंजॉय किया होगा। एग्जाम तक इसको और दो तीन बार देख ही लेना, तीन चार बार देख ही लेना, सो दैट वी आर सिस्टमैटिकली सेट एंड वी कैन मैनेज दिस चैप्टर वेरी वेरी स्मूथली। ऐसे ही करते करते ब्रेक डाउन करना है अपने को। अभी पता है पोर्टफोलियो 12-15 मार्क आएगा, चलो डन। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इतने मार्क आएगा, डन। तो ऐसे करते 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 यू विल रीच टू अ वेरी वेरी गुड नंबर एंड यस यही सब्जेक्ट आपका गेम चेंजर होगा। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, लेट मी नो एनीथिंग एल्स नीडेड, बाय बाय, टेक केयर।